Good morning once again for people who joined in a bit later. So we were looking at a very nice, crisp PPT to quickly go over the concepts. Take care. So before we start with the last couple of chapters, any questions, anything that you guys have in mind, anything that you want to ask, especially on the concept that we've already covered. क्योंकि ये एक बार पीपीटी खत्म हो जाएगा द आइडिया इज दैट वेरी क्विकली गो ओवर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द किट और सीबी व्हाटएवर यू नो आइदर व्हिच वे नो ऑलराइट चलो सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर 11 व्हिच इज कंप्लीशन एंड रिव्यू कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिव्यू हॉट एंड कोल्ड रिव्यू में क्या डिफरेंस है प्लीज प्री एंड पोस्ट ओके चलो लवली एंड थैंक यू शिवानी फॉर दैट अच्छा कौन करता है ये हॉट और कोल्ड ऑडिटर खुद करता है ये EQR एग्जैक्टली देर इज अ क्वालिटी रिव्यू टीम ना पिंकी ऑडिटर अगर खुद का काम खुद से चेक करता है तो क्या प्रॉब्लम आता है सेल्फ रिव्यू नहीं है उसका फिर वापस से सेल्फ रिव्यू आ जाएगा थोड़ी खुद के काम में फॉल्ट निकालेगा राइट सो देयर विल बी एन EQR टीम दैट विल बी डूइंग दीज थिंग्स ठीक है तो हम स्पेशली हम लिस्टेड क्लाइंट्स हो जाते हैं सेंसिटिव क्लाइंट्स हो जाते हैं उनके लिए तो हम लोग हॉट रिव्यू कराते हैं कोल्ड रिव्यू सबका होता है लेकिन हॉट रिव्यू स्पेशली ये सारे क्लाइंट्स का कराते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर सो यू गॉट सब्सिक्वेंट इवेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिव्यू प्रोसीजर्स एंड रिटन रिप्रेजेंटेशंस ना सब्सिक्वेंट इवेंट्स में कुछ तुम लोग को याद है क्या होता है जिसकी वजह से हम ये रिकॉर्ड करते हैं नहीं करते हैं अच्छा बाय द वे पहले एक मुझे एक बात बताओ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ओके बट क्या हम ये सबके लिए करते हैं आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ओके नो Adjusting, non-adjusting, adjusting events only. Thank you, Rohan. Thank you, Sia. Okay, thank you, Ishita, Kushi. है ना तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ adjusting events ही लेते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ adjusting में हमें सारे events करने होते हैं कि सिर्फ material events करने होंगे Okay, Shivani, material. What others? Material? Alright, answer यहाँ गलत है ये एग्जैक्टली यहां अगर तुम्हारे पास में कोई भी चीज का फर्दर इंफॉर्मेशन आता है आफ्टर द ईयर एंड जिससे वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है तो देन देयर इज नो क्लॉज हियर इन दिस वन वेयर इट सेज कि नहीं ओनली द सिग्निफिकेंट आइटम नीड्स टू बी एडजस्टेड अदर आइटम्स वी कैन लीव इट बैक वो नहीं कर सकते हम यू हैव टू एडजस्ट फॉर ऑल द एडजस्टिंग आइटम्स ठीक है सो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट अच्छा अब इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स में क्या था दैट इफ देयर आर लेट्स से 100 मिसस्टेटमेंट्स और हर मिसस्टेटमेंट इज $10,000 तो देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट तो इवैल्यूएशन में यही होता है कि डज ऑल ऑफ दीज मिसस्टेटमेंट टुगेदर बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंपनी राइट कमिंग टू गोइंग कंसर्न क्या था एनीवन Going concern क्या रहा कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू फोरसीएबल फ्यूचर क्या बात है लवली 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 ऑसम थैंक यू इशिता ऑलराइट गुड जॉब थैंक यू अनुज थैंक यू रेहान थैंक यू शिवानी सिया रूहान क्या बात है थैंक यू श्रेया थैंक यू खुशी लवली गुड जॉब थैंक यू इशिता चलो ग्रेट
So yeah, you know, as long as the company is able to operate for a foreseeable future, इट्स अ गोइंग कंसर्न. और अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं होती तो क्या था? इफ इट्स नॉट अ गोइंग कंसर्न, ऑडिटर के लिए क्या है तकलीफ या नहीं है तकलीफ? ब्रेकअप बेसिस. एग्जैक्टली. थैंक यू अनुज, थैंक यू रेहान. है ना, अपने को ब्रेकअप बेसिस पे बनाना पड़ता है. थैंक यू रूहान. राइट, ब्रेकअप बेसिस पे बनाना पड़ेगा, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा, मतलब सबको उसके एनआरवी पे लेके आना पड़ेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा. ठीक है, सो गुड. सो दैट वाज योर गोइंग कंसर्न में. अच्छा, उसके बाद फाइनल आर्टिकल प्रोसीजर्स इज अगेन डूइंग ऑल द रेशियोज, डूइंग ऑल द कंपैरिजंस, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज इन लाइन विद व्हाट द ऑडिट आउटकम इज. रिव्यू प्रोसीजर्स इज रिव्यू प्रोसीजर्स एंड देन रिटन रिप्रेजेंटेशंस. राइट, और ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है क्या करना चाहिए ऑडिटर को? एग्जैक्टली. अगर मैं पूछा था रोहान कि अगर तुमको रिटन रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, व्हाट डू यू डू? एग्जैक्टली. इट इज एज सिवियर एज डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन, बिकॉज इफ दे आर नॉट रेडी टू से येस टू एनीथिंग, तो फिर तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू चेक इरिस्पेक्टिव वेदर यू ऑडिटेड और नॉट, इट इज क्वेश्चनेबल देन. ठीक है, सो रिटन रिप्रेजेंटेशंस व्हाइल फ्रॉम आवर एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू इज द लास्ट थिंग दैट वी लुक एट, बट नो, ऑडिटर विल नॉट कंटिन्यू ना, वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे देगा. ठीक है, सो तुम्हारे पास में रिटन रिप्रेजेंटेशन इज द लास्ट थिंग दैट यू टेक एज एन एविडेंस, बट यस, दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर ऑडिटर्स ओपिनियन गोज, बिकॉज इफ दे आर नॉट कमिंग थ्रू देन द ऑडिटर हैज टू गिव अ डिस्क्लेमर. ओके, चलो. तो अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट, ये सब हमें अभी पता ही है कि बिटवीन द ईयर एंड डेट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट साइंड, ईयर यू हैव एन एक्टिव ड्यूटी, दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग ऑल द ए आई ओ आर आर थिंग्स, राइट, टू मेक श्योर दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग गेट्स रिपोर्टेड, गेट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल्स, एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा ओपिनियन फिर चेंज हो नहीं चेंज हो. उसके बाद में एक बार तुम्हारी रिपोर्ट साइन हो जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुई है, अंटिल देन देर इज अ पैसिव ड्यूटी. सो व्हाइल यू विल नॉट गो एंड चेक फॉर थिंग्स, बट यस, इफ यू कम टू नो, यू रीड अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर, यू कम टू नो थ्रू अ नेटवर्क, देन यू विल गो बैक एंड मेक द चेंजेस और चैलेंज द क्लाइंट मैनेजमेंट. राइट, सो इन द फर्स्ट सिनारियो यू आर एक्टिवली डूइंग द ऑडिट जॉब, इन द सेकेंड सिनारियो यू आर सिटिंग बैक, बट इफ समथिंग कम्स टू योर नो, यू विल डेफिनेटली गो एंड चेक विद द क्लाइंट. सो दैट्स दैट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, गोइंग कंसर्न में, मैनेजमेंट क्या करता है? असेसेस वेदर द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, प्रिपेयर एफएस एज एन अप्रोप्रिएट बेसिस, एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ एनी मटीरियल अनसर्टेनिटी. सो इफ यू गाइस रिकलेक्ट, अगर देर इज अ गोइंग कंसर्न, तो आप एक पैराग्राफ ऐड करते हो जिसमें ऑडिटर मटीरियल अनसर्टेनिटीज ओवर गोइंग कंसर्न का एक वो वहां इंफॉर्मेशन दे देता है कि किसके वजह से उसको लग रहा है. इट कुड बी अ बिग क्लाइंट, इट कुड बी अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, इट कुड बी एनीथिंग. राइट, उसके बाद में रही ऑडिटर की बात, इवेल्युएट मैनेजमेंट्स बेसिस ऑफ प्रेपरेशन, बिकॉज दे विल हैव टू चेक, उनका फोरकास्ट चेक करेंगे, सब देखेंगे कि भाई बराबर से है कि ऐसी हवा में बना दिया है. असेस एडिक्वेसी ऑफ एनी डिस्क्लोजर्स एंड देन रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ISA 570. इंडिकेटर्स में, गोइंग कंसर्न में, लैक ऑफ कैश, अनेबल टू सप्लाई पे सप्लायर्स, बोरोइंग ज्यादा हो रही है, लार्ज कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, दीज आर ऑल ऑल थिंग्स दैट विल टेल यू कि यहाँ प्रॉब्लम है. राइट, एंड एज सुन एज यू सी सच इंडिकेटर्स, यू विल हैव टू रेज इट अप विद द मैनेजमेंट. इफ दे स्टिल से नो नो देर इज नो प्रॉब्लम, वी गॉट ए बी सी, यू मे स्टिल वॉन्ट टू एड द पैराग्राफ. अच्छा, जब तुम ये एड पैराग्राफ करते हो, रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है
इज दिस अ क्वालिफाइड ओपिनियन बाय द वे एज सुन एज यू एड दिस पैराग्राफ? ओके थैंक यू नंदिनी, थैंक यू रेहान, थैंक यू प्रेक्षा, गुड, थैंक यू शिवानी, रुहान, गुड गुड गुड, राइट. सो दिस इज द रिपोर्ट स्ट्रक्चर इज गेटिंग मॉडिफाइड बट द ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, द ओपिनियन कंटिन्यूज टू बी अनमॉडिफाइड. थैंक यू इशिता, है ना, क्योंकि अगर कंपनी ने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है इन लाइन विद वॉट इज सपोज टू बी डन, देन देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, प्रोसीजर्स में व्हेन यू आर चेकिंग फॉर गोइंग कंसर्न, रिव्यू फॉर फोरकास्ट एंड रीजनेबलनेस, ये तुम्हारा बजवर्ड है गाइस. जब भी हम गोइंग कंसर्न की बात करते हैं, कोई भी एस्टिमेट्स की बात करते हैं गाइस, एनी वेयर वी आर एस्टिमेटिंग एनीथिंग, प्लीज नेवर फॉरगेट टू एड द वर्ड असेस रीजनेबलनेस. दैट्स योर बजवर्ड टू टेल द एग्जामिनर दैट वी आर, आप क्या कर रहे हो उधर, आप बैठ के आप चेक कर रहे हो कि भाई ये जो इसने फोरकास्ट बनाया है ये रीजनेबल है कि नहीं, कि मतलब ऐसे इसने कर रखा हुआ है. देन रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस विद लेंडर्स, बैंक, कस्टमर्स, सप्लायर्स, रिव्यू बोर्ड मिनट्स एंड डिस्कस मैनेजमेंट्स प्लान टू इंप्रूव कैश फ्लो, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल नीड टू बी डन. नाउ मूविंग ऑन टू ओवरऑल रिव्यू, ये आपका फाइनल रिव्यू होता है जिसमें डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट्स, आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट विद द नॉलेज, क्योंकि यही सारी चीजें तुम देख रहे हो, जो तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स आएगा ये सब तुम उसको साथ में देखोगे कि भाई मैंने जो ओवरऑल देखा है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या एसेट्स कम हो रहे हैं या वट एवर, आर दे स्टिल कमिंग आउट टू बी इन लाइन विद व्हाट आई हैड ऑडिटेड, इज द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, एंड वो कैसे पता चलेगा, जब आपके पास में एविडेंस होंगे, एविडेंस विच आर, वॉट आर द बज वर्ड्स फॉर एविडेंस, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट. इशिता इज लाइक, मैं और शॉर्ट फॉर्म कर देती. गुड जॉब, चलो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड, इट इज सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट, राइट, एज लॉन्ग एज योर एविडेंस इज सफिशियंट अप्रोप्रिएट यू आर कूल. नाउ कमिंग टू हैव अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज बीन फॉलोड, डू एफ एस गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड फर्म्स प्रोसीजर्स बीन फॉलोड, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फर्म के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, फर्म के कोई क्वालिटी पैरामीटर्स हैव दे बीन मेट और नॉट, so all of that needs to be checked. Now evaluation of misstatements, like we discussed, keep a schedule of all misstatements identified, assess materiality, because बहुत सारे अगर साथ में आ जाते हैं और बहुत बड़ा material amount हो जाता है, then you have to get those checked as well. Request management to correct all of them. Assess materiality of any uncorrected misstatements. Report uncorrected misstatements to TCWG. Request written representation. Assess the impact on audit report as a result of misstatement, right? So all of that will be done. At the end of the day, you have to let the TCWG know कि देखो भाई इतने सारे uncorrected हैं, are you okay or not? If they are okay, then you're okay, and then you'll have to take the written representations. तुम्हारे written representations में ISA 580 confirmation from the management that they have fulfilled their responsibilities in plan to preparing the FS in accordance with the framework, providing auditor all relevant information, recording all transactions reflecting in the FS. तो ये तुम्हारा जनरल हो गया, बिकॉज ये तो हर मैनेजमेंट को बताना पड़ता है. देन स्पेसिफिक मैटर्स में दैट मैनेजमेंट बिलीव अजम्पशंस आर जस्टिफाइड, जैसे कि गोइंग कंसर्न हो गया या प्रोविजन हो गया या लीगल केस कोई हो गया, प्रोविजन एंड लाइबिलिटीज आर कंप्लीट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन इज गोइंग टू कंटिन्यू, एंड देन प्लान्स और इंटेंशंस दैट अफेक्ट एसेट वैल्यूज, जैसे कि कई बार तुमने कोई फेयर वैल्यू ली हुई है और वो मैनेजमेंट ने खुद निकाली हुई है, सो दोज थिंग्स विल ऑल्सो नीड टू बी कंफर्म बाय द मैनेजमेंट हियर कि भाई उन्होंने रीजनेबल एस्टिमेट्स लिए हुए हैं.
देन मैटर्स रिक्वायर्ड बाय आइसास, अब आइसास भी बोलते हैं कि इसके रिटन रिप्रेजेंटेशन लो, जैसे कि अगर कोई नोन या सस्पेक्ट फ्रॉड्स है वो तुमने बताया कि नहीं बताया, फिर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बताया कि नहीं बताया, मैनेजमेंट बिलीव दैट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटीरियल, ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स कम्युनिकेटेड एंड ऑल गोइंग कंसर्न कंसर्न इश्यूज हैव बीन कम्युनिकेटेड. सो दैट वाज योर रिपोर्टिंग, दैट वाज योर रिव्यू, कंप्लीशन एंड रिव्यू. नाउ कमिंग टू द फाइनल चैप्टर व्हिच इज रिपोर्टिंग. नाउ रिपोर्टिंग में देर आर थ्री फोर कॉम्बिनेशंस राइट, जिसमें आपके ओपिनियन आते हैं. क्या होता है जरा कोई बताएगा? व्हाट आर द की टू थिंग्स दैट वी लुक एट? जब भी हम ओपिनियन बनाने को ट्राई करते हैं तो हम जब प्रॉब्लम को देखते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है उसमें हम दो चीजें देखते हैं, परवेजिव एंड दूसरी एक और चीज थी, मटेरियल राइट, मटेरियल एंड परवेजिव. आप जब भी रिपोर्टिंग के चैप्टर या रिपोर्टिंग के बारे में सोचेंगे, दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन सॉल्व एंड इट इज इम्पैक्टिंग योर ओपिनियन, यू विल चेक वेदर द प्रॉब्लम इज मटीरियल एंड वेदर इट इज परवेसिव. बिकॉज इफ द ओपिनियन, इफ द प्रॉब्लम इज मटीरियल, आप क्या बोलते हो, क्या है हमारा वो दो बज वर्ड? एक्सेप्ट फॉर, थैंक यू सो मच अपेक्षा. हमारे ओपिनियन में, थैंक यू रूहान, हमारे ओपिनियन में वी जस्ट यूज एक्सेप्ट फॉर लेट्स से इन्वेंट्री, लेट्स से प्रोविजन, लेट्स से अह एन एसेट और व्हाटएवर, यू नो इट कुड बी एनीथिंग, एक्सेप्ट फॉर द इश्यू डिटेल्ड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, एवरीथिंग गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू राइट. ये हम लोग का ओपिनियन हो जाता है एक्सेप्ट फॉर, बट लेट्स से परवेसिव है. अच्छा परवेसिव का मतलब क्या है, जस्ट मुझे याद दिला दो एक बार, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इट इज अफेक्टिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्प्रेड इन ऑल एरियाज, वेरी गुड, लवली लवली लवली, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड जॉब राइट. तो परवेसिव का मतलब क्या है कि द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल्स एंड दैट्स व्हाई यू विल नीड टू हैव द फाइनेंशियल नीड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन टू एन एक्सटेंट कि अब बोलोगे इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बिकॉज ये प्रॉब्लम हर जगह है. ठीक है. अच्छा अब एक और अनोमली था जहां हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं आता, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं आती है लेकिन वो मटेरियल है तो वहां क्या होता है? सीधा डिस्क्लेमर दे देते हैं, की ऑडिट मैटर में डालते हैं, डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन. क्या बात है, क्या बात है. तो मुझे लेट से कि एक एक साइट पे इन्वेंटरी पड़ी है, जो थर्ड पार्टी साइट है उस पे इन्वेंटरी पड़ी हुई है, उसका मुझे व्यू नहीं मिल पा रहा है लेकिन मटेरियल है, तो मैं सीधा डिस्क्लेमर दे दूंगा, ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करूंगा. एग्जैक्टली पिंकी, थैंक यू. सीधा एडवर्स ओपिनियन हो जाता है विशिता, यहां तुम लोग देखो सब मोस्टली तुम लोग सब लोग गड़बड़ कर रहे हो यहां. यहां अगेन फ्लो वही है, आपको पहले चेक करना है क्या प्रॉब्लम मटेरियल है, क्या प्रॉब्लम परवेसिव है.
अगर आपको सिर्फ एक एरिया की चीज इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, वो तो आपका मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर हो जाएगा, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल एरियाज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, देन यू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। एंड रही बात एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन इज योर वेर इट इज परवेसिव एंड मटेरियल इन द प्रीवियस इंस्टेंस इशिता, जहां हम लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बट हमें इंफॉर्मेशन ही जब नहीं मिलती है तो वी से दैट वी डू नॉट प्रोवाइड एन ओपिनियन। बट जब भी तुमको एविडेंस नहीं मिलेगा, रिमेंबर पहले चेक करो मटेरियल है, अब क्या ये परवेसिव है, अगर मटेरियल है एक्सेप्ट फॉर परवेसिव है डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। एवरीवन क्लियर विद दिस दैट फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग रिमेन्स द सेम, वेदर गलत है वेदर इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके गुड, चलो बाकी के भी प्लीज मुझे बताओ, ऑल 20 ऑफ यू। ओके ग्रेट, बाकी भी प्लीज, एवरीवन ओके विद दिस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके थैंक यू श्रेया, थैंक यू इशिता, थैंक यू अनुष्का, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू शिवानी, गुड। ठीक है, सो वेरी क्विकली तुम्हारे पास में एलिमेंट्स जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होते हैं, टाइटल, एड्रेस, ऑडिट एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, कैम, अदर इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, सिग्नेचर, एड्रेस, लोकेशन, राइट। अच्छा अब क्या हो जाता है, अदर इंफॉर्मेशन एंड अदर मैटर्स, राइट। अब अदर इंफॉर्मेशन एंड अदर मैटर में ना लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अदर इंफॉर्मेशन इज टू डू विथ एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट कुड बी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इट कुड बी चेयरमैन रिपोर्ट, इट कुड बी सीईओ रिपोर्ट, इट कुड बी एनीथिंग जिसके बारे में आप अपना ओपिनियन नहीं देते हो, लेकिन आप अदर इंफॉर्मेशन में बोलते हो कि भाई मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी हुई है। तो ये हो गया अदर इंफॉर्मेशन। रही बात अदर मैटर्स, अदर मैटर्स क्या होता है, आर द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू टेल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, बट दे आर थिंग्स विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, बट यू वॉन्ट टू लेट देम नो, जैसे कि यू आर नॉट द ऑडिटर लास्ट ईयर, ये तुम्हारे अदर मैटर्स में आ जाता है। एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू, इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग दैट द ऑडिटर वॉन्ट्स टू टेल विच इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द ऑडिट पर से। एग्जैक्टली, वो जो भी ऑडिटर से रिलेटेड है वो अपना वहां डाले। एवरीवन क्लियर विद दिस अदर इंफॉर्मेशन एंड अदर मैटर एज वेल? सो अदर इंफॉर्मेशन में वो खुशी जो तुम्हारी एडिशनल रिपोर्ट्स होती है ना, उसके बारे में वो फीडबैक देता है कि भाई देखो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन मैंने ये ऑडिट नहीं की हुई है। ठीक है, ऑफकोर्स वो अदर इंफॉर्मेशन देखता जरूर है, लेकिन उसको वो ऑडिट नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि अगर अदर इंफॉर्मेशन में चेयरमैन बोल रहा है कि हमने ग्रो 15% 20% किया है, तुम्हारे वहां भी 15-20% दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं होगा तो बोलेगा या तो चेयरमैन की रिपोर्ट को चेंज करो, या तो ये वाली हमारी जो रिपोर्ट है उसमें फिर हम लोग को चेंज कराना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस मींस। ओके नाउ ये हमने अभी जस्ट देखा कि भाई अगर तुम्हारे पास में मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल नहीं है तो अनमॉडिफाइड है, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, दीज आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द पैराग्राफ इटसेल्फ। तुम्हारे हेडर्स चेंज होते हैं, ये प्लीज याद रखना कि जब भी रिपोर्ट चेंज होगी तो हमको कहाँ कहाँ इम्पैक्ट दिखाना है गाइस, यू नीड टू नो दैट, ठीक है, कि हमारे कहाँ कहाँ वर्डिंग्स चेंज होते हैं। How do we identify that the material and pervasive? Okay, so look, it is going to be evident in the scenario itself when it tells you that inventory में भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, receivables में भी बहुत बड़ा इश्यू है, या going concern है। अरे मतलब going concern नहीं है, sorry, going concern नहीं है, और उन्होंने बोला कि नहीं, going concern है, right?
राइट, तो तुम्हारी तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो गई ना, बिकॉज यू शुड हैव मेड इट ऑन ब्रेकअप बेसिस, बट यू आर शोइंग देम ऑल ऑन इट्स कैरिंग वैल्यूज, सो इट इज अ परवेसिव, इट्स अ प्रॉब्लम दैट इज एग्जिस्टिंग अक्रॉस ऑल द नंबर्स, सो दैट इज हाउ यू नो इट्स अ प्रॉब्लम दैट इज एवरीवेयर और जस्ट इन वन एरिया. ठीक है चलो गुड. तो ये हो गया मटेरियल बट नॉट परवेसिव. देन देयर इज अ मटेरियल एंड परवेसिव जिसमें एडवर्स ओपिनियन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन. तो क्या होता है ना, ये सारे जो छोटे छोटे है ना कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगा, तुम एग्जामिनर को बोल रहे हो कि व्हाट विल बी द चेंजेस, यू से कि हाँ भाई बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन है, सो व्हेन यू टेल ऑल ऑफ दिस दे नो कि हाँ भाई तुमने रिपोर्टिंग का चैप्टर स्किप नहीं किया, यू स्टडी दैट. कमिंग टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस, सेम है, अगर ऐसी छोटा मोटा कुछ है तो अनमॉडिफाइड है, बट अगर कोई की आइटम है, मटेरियल आइटम है, तो एक्सेप्ट फॉर हो जाएगा. एंड देन द लास्ट वन विल बी परवेसिव वाले में डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, सो योर ओपिनियन चेंजेस कंप्लीटली, यू आर नॉट गोना एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड यू विल मेंशन कि तुम्हारा वो डिस्क्लेमर तुमने क्यों दिया हुआ है. तो इन दैट पैराग्राफ यू टॉक अबाउट इट कि भाई यू नो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो सबसे सिग्निफिकेंट एसेट आइटम है बैलेंस शीट का, उसका मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, ऑल ऑफ दैट यू विल पुट इन देयर. नाउ की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स क्या होता है बाय द वे, एनीवन कैन रिमाइंड मी व्हाट वाज की ऑडिट मैटर्स? नीड्स टू ड्रॉ अटेंशन, लवली. ऑडिटर्स का जजमेंट गया था इसमें, इंपॉर्टेंट मैटर्स, एरिया वेर इट इज डिफिकल्ट, लवली, वेरी गुड. राइट, सो दीज आर ऑल द एरियाज जहां तुमको टाइम लगा, तुमको दिक्कत आई, यू हैड इश्यूज विद द मैनेजमेंट, यू हैड टू टेक इट अप विद टीसी. सो की ऑडिट मैटर्स आर ऑल दोज विच यू हैड टू टेक इट अप विद द टीसीडब्ल्यूजी. राइट, ये भी एक सिंपल वे है रिमेंबर करने के लिए कि दैट एनीथिंग दैट यू पिक अप विद टीसीडब्ल्यूजी आर योर कैम. सो कंपलसरी इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मैटर्स रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन व्हिच हैव बीन कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, जिसमें हाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, हाई लेवल ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट है, या सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, एनी ऑफ दोज विल गो इनटू द कैम. ये रहा तुम्हारा एडिशनल कम्युनिकेशन जिसमें यू विल हैव मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ. ये तो अगर तुम्हारे पास में कोई कस्टमर डूब गया, कोई कुछ हो गया, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ डालते हो. एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या था? ओके वेरी गुड, कंसिडर्स देम टू बी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, वेरी गुड, लवली. सो व्हाट डू वी हैव हियर इज दैट एनीथिंग दैट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, राइट, बट दे डू नॉट थिंक कि भाई इसको कैम में डालने की जरूरत है, बिकॉज मैं टीसीडब्ल्यूजी के पास नहीं लेके गया था ये, बट या यू वांट टू लेट देम नो कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ है, देयर वाज लेट्स से अ फायर इन दी देयर वाज अ फायर और देयर वाज अ कस्टमर और देयर वाज अ स्ट्राइक और देयर वाज एनीथिंग, जिसमें भी तुम्हें लगता है कि हाँ भाई आई विल गिव दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन सो दैट इट हेल्प्स द यूजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, वो तुम यहां डाल देते. ठीक है, एंड अदर मैटर ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. ओके सो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स टू हाईलाइट यूजर्स. सो सिया, जब हम लोग कैम की बात करते हैं ना, कैम में वो सारे इश्यूज आ जाते हैं जो तुम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास ले जाते हो, टीसीडब्ल्यूजी के पास लेके जाते हो, बिकॉज दे आर सच बिग प्रॉब्लम्स, दे आर सच बिग एरियाज वेर यू आर यू नो हैविंग टू यूज योर जजमेंट, राइट, या तो चैलेंजेस आए ऑडिट के टाइम पे, तो वो कैम में आ जाता है. एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्या होता है, दे मे नॉट हैव बीन टेकन टू टीसीडब्ल्यूजी, बट वहां भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो सरदर्द था. ठीक है चलो गुड. सो कमिंग बैक, अभी यहां तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम देख सकते हो, या अदर मैटर में क्या गया तुम्हारा, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन अबाउट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइबिलिटी.
वो जो स्टैंडर्ड लाइंस नहीं होते हैं, ये सब अदर मैटर में तुम डाल सकते हो, और अदर इंफॉर्मेशन में ये तुम्हारा अदर पब्लिश इंफॉर्मेशन कंटेन्स मिस स्टेटमेंट अगर है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन, तो वहां अगर उसने चेंज नहीं किया है तो तुम वो अदर इंफॉर्मेशन में बोल सकते हो कि देखो भाई ये वाला यहाँ इसने ये गलत दिया हुआ है जो हमने अपने ऑडिट में हमें नहीं मिला था। सो यू सी हाउ ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव बीन कवर्ड हियर इन दिस स्लाइड। तुम्हारे जो डिस्क्लोज करना है, मेक श्योर करना है उनको समझ में आए, तो वो तुम एम्फेसिस ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी में डाल देते हो, मटीरियल अनसर्टेनिटी में। अदर मैटर में आ जाता है एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गिव अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एनीथिंग दैट यू फाइंड विच इज अ प्रॉब्लम इन द अदर इंफॉर्मेशन, वो तुम्हारे अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में जा सकते। सो अदर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द रिपोर्ट, स्टेट्स ऑडिटर हैज नॉट ऑडिटेड द इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेट्स आइदर ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट और प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन। सो यू कैन सी राइट, अगर तुम देख रहे हो कि भाई उसके वहां वो नहीं चेंज कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन इवन दो वो गलत है, तो यहाँ लिख देगा कि भाई देखो मैंने तो अपने ऑडिट में ये दिया हुआ, इन लोगों ने यहाँ ये डाला हुआ। सो यू डिटेल व्हाट इज द गैप बिटवीन व्हाट दे आर सीइंग वर्सेस व्हाट यू हैव ऑडिटेड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर अदर इंफॉर्मेशन विल बी। कम्युनिकेटिंग विद TCWG में यू नो एनी सिग्निफिकेंट मैटर्स जो तुम्हारे आते हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें बतानी है, प्लान स्कोप, व्यूज रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट, रिक्वेस्ट फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन गोज थ्रू दी TCWG, मैटर्स रेलेवेंट टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड अ रिक्वेस्ट दैट ऑल आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट्स टू बी अमेंडेड एंड द वर्डिंग ऑफ एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशंस। ठीक है, ये सारा का सारा उसमें जाएगा। देर यू गो, हम लोगों का ये चैप्टर हो गया है। बट एक और चीज है जो मुझे तुमसे पूछना था कि जब भी हम लोग ये जो ओपिनियन वाला आता है अपने पास में टेक्स्ट बुक में एक फ्लो था, इफ यू गाइस रिकरेक्ट, एक फ्लो था दैट वी यूज्ड टू लुक एट बिफोर वी, और हाउ डू वी गो अबाउट राइटिंग एन ओपिनियन, याद है तुम लोगों को? हम जस्ट ओपनिंग वन सेकेंड। क्या लिखा था किसने, सॉरी रेहान, नॉट मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल परवेसिव, ओके रेहान बेसिक ओपिनियन कैंप। हाँ मतलब सी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस, क्योंकि उसमें वो दिखा नहीं मुझे। तो हम जब भी हमारे पास में एग्जाम में आएगा कि भाई इससे तुम्हारे रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट गेट्स रेगुलरली एग्जामिन ना, सो यू नीड टू नो हाउ डू यू गो अबाउट राइटिंग राइटिंग सच एन आंसर। सो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इन्वेंटरी में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? तो आपका फ्लो कैसा है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो मटेरियल है कि नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मटेरियल और नॉट। तो आप क्या लिखोगे, इन्वेंटरी इज मटेरियल एज इट रिप्रेजेंट्स 8% ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड 27% ऑफ प्रॉफिट, सो ऑब्वियसली दैट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम। देन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओवर इन्वेंट्री, द ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म कंक्लूजन्स एज टू वेदर इन्वेंट्री इज मटीरियली मिसस्टेटेड और फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, राइट? तो यहां तुमने अब बताया कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सो पहले तो तुमने बोला कि भाई इन्वेंट्री मटीरियल है, अब ये प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज तुमको यहाँ एविडेंस नहीं मिल रहा है, और अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है तो वो कंक्लूजन नहीं बना पाएगा कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड है कि नहीं है, एंड देयर फॉर द ऑडिट विल बी ओपिनियन विल बी मॉडिफाइड, ऑडिट ओपिनियन विल बी एक्सेप्ट फॉर वर्डिंग इश्यूड एज द मैटर इज नॉट परवेसिव, द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन विल बी अमेंडेड टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड देन बेसिस फॉर क्वालिफाइड विल एक्सप्लेन द रीजन, राइट? सो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस फ्लो। आई होप तुमने इसका कहीं ना कहीं नोट बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है तो प्लीज बना लेना कि जब भी रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आएगा यू विल फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, सॉरी
वेदर द प्रॉब्लम इज मटेरियल और नॉट, बिकॉज उसके बाद में तुम डिस्कस करोगे. सो मटेरियल है कि नहीं है, उसके बाद में चेक करोगे, उसके बाद में एग्जामिनर को बताओगे कि तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम क्यों, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज यू नो इट इज मटेरियल स्टेटेड है कि नहीं है, और हम कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे, हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है, हम जा नहीं पा रहे हैं, हमको एक्सेस नहीं मिल रहा है, व्हाट एवर द केस में भी, राइट. तो तुम्हारा सेकेंड पॉइंट हो गया, एक्सप्लेन करो प्रॉब्लम को. इससे तुम्हारी ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो तुम वो लिखोगे. तुम्हारी ओपिनियन का पैराग्राफ अभी कैसे दिखेगा, तो तुम बोलोगे भाई क्वालिफाइड ओपिनियन यूजिंग एक्सेप्ट फॉर आ जाएगा. एंड क्या चेंजेस आएंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन भी चेंज होगा, और उसमें बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाएगा, और उसके अंदर तुमको ये एक्सप्लेन करना है. सो दिस विल ऑलवेज बी अ फॉर्मेट. इफ यू लुक एट हियर, इट विल बी द स्टे, इट विल स्टे द सेम. क्लेम इज इमटीरियल, मटीरियल है कि नहीं, अगर मटीरियल नहीं है तो कुछ भी नहीं करने का, बट मटीरियल है तो लिखो कि मटीरियल है, कुड गो इधर वे, मॉडिफाई करो, क्वालिफाइड ओपिनियन डालो, बेसिस फॉर ओपिनियन डालो, एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. सो प्लीज ये वाला तुम नोट डाल के रखो, सो दैट यू डोंट फॉरगेट. ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जल्दी जल्दी, ऑल 21, शाबाश, थैंक यू, गुड जॉब, चलो लवली, ऑल राइट, ऑसम. ठीक है, तो ये चलो अपना हो गया रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट. नाउ आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू अ फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो गिव मी जस्ट वन मोमेंट, मैं अपनी एग्जाम किट ओपन कर लूं. श्योर, आई कैन टेल यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, जस्ट वन मोमेंट है गाइस, मैं वो किट निकाल रहा हूँ. ऑलराइट, ओके. सो अपेक्षा, इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, देखो हमारे पास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए में तुम्हारे पास में 30 मार्क्स है ना. आइडियली फॉर अ 30 मार्क्स, वी शुड गिव एनी वेयर बिटवीन 40 to 45 मिनट्स. देखो वैसे होता है 1.8 मिनट पर मार्क, बट या यू नो इट इज ओके दैट वी कैन ट्राई एंड रिड्यूस आवर टाइम देयर, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा दें, एंड वी यू नो फिनिश द होल थिंग लेट्स से इन 40 odd मिनट्स या 45 मिनट्स मैक्सिमम. क्यों हमें ये टाइम बचाना है, इज सो दैट वी आर एबल टू यूज दिस इन योर दिस एक्स्ट्रा वट एवर 10 15 मिनट्स दैट यू सेव, यू कैन यूज इट इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस. दैट इज द वन लॉजिक बिहाइंड दैट. नाउ व्हाट आई हैव सीन ऑफ्टन, एंड बिलीव मी, मैंने ये सारे एग्जामिनर रिपोर्ट्स जिनके भी मंगाए थे, कि हमने लिटरली पूरा का पूरा सेक्शन ए 15 15 मिनट में खत्म किया है, 20 20 मिनट में खत्म किया है, राइट. नाउ इतना भी ज्यादा टाइम बचाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हुआ क्या इज दैट हमने जल्दी 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 में वो क्लियर किया, एंड देन ऑफकोर्स द रिजल्ट्स डिड नॉट रियली कम आउट दैट ग्रेट, राइट, फॉर दोज पीपल. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इट मे सीम वेरी सिंपल, इट मे सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अरे ये तो हमने किया हुआ है, मैं इसको टिक 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 मार देता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना. प्लीज मेक श्योर करना कि तुमने तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट, आराम से उसके आंसर्स, एंड देन यू आर ऑल्सो रीचेकिंग, बिकॉज ये एमसीक्यूज जो है उसमें हम टारगेट कितना करते हैं निकालने के लिए, व्हाट इज द टारगेट दैट वी हैव, 20 मार्क्स, 60%, 20 to 22, 20 to 25. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. यस, मैंने हमेशा ही तुम लोग को बोला हुआ है, वी नीड ए 70% हियर. 70% तुमने यहां से निकाल लिया, बेर मिनिमम एक 20 22 मार्क तुम लोगों को यहाँ आ जाते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली पुल द रिमेनिंग 30 odd मार्क्स. उसमें भी तुम लोग को मैं बता चुका हूँ कि 30 मार्क्स में से कई बार तुम्हारे पास में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिससे तुम इजी दो 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 चार चार मार्क्स निकाल सकते हो, राइट. सो एंड यहां भी जब हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं, फॉर एवरी एक्सक्यूज मी इन एवरी सिनारियो देर विल बी एटलीस्ट अ बेयर मिनिमम ऑफ वन
और टू नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. तो अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, यू गॉट योर कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट वेरी क्लियर, वो तुम्हारे हर सिनेरियो में से चार चार मार्क तो वैसे भी आ ही जाने चाहिए. सो इफ यू आर नॉट स्टिल कंफर्टेबल, आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स रीच्ड आउट कि अरे मेरा हो ही नहीं रहा है, आई एम स्ट्रगलिंग, राइट, मैं ट्राई कर रही हूँ एमसीक्यूज, मेरा गलत ही जा रहा है. वो एमसीक्यूज गलत इसलिए जा रहा है कि जब आपने फर्स्ट टाइम गलती करी, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आपने वो गलती क्यों करी है. यू जस्ट वेंट टक टक टक, ओके पीछे आंसर देगा, अच्छा ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है, ठीक है नेक्स्ट वन, टक 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 टक, ओ ये वाला जाए. वेन एवर यू आर डूइंग एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनी आंसर्स जो तुम बनाते हो, ऑलवेज लुक एट वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट. एंड सेकेंडली उसको चेक तो करो कि तुमने क्यों गड़बड़ करी है, क्यों तुम्हें मार्क्स जा रहे हैं तुम्हारे, बिकॉज अदरवाइज तो तुम्हारा एग्जाम भी आ जाएगा, यू विल कंटिन्यू टू मेक द सेम मिस्टेक्स ना. सो प्लीज सेक्शन ए में प्रैक्टिस इतना करो, तुम्हारे पास में किट है, तुम्हारे पास में सीबीई है, तुम्हारे पास में स्टडी हब है, तुम्हारे पास में हमारे क्विज है, राइट, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ फॉर यू गाइज टू बिकम सुपर गुड एट दी एमसीक्यूज. बस प्लीज ये सारा अटेंड कर लेना, ठीक है. सो कमिंग टू, सो आई होप अपेक्षा हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. मैं देखो नंदिनी, आई विल ऑलवेज गो विद सेक्शन ए. सेक्शन ए में तुम चालू करो, सेक्शन ए में तुमको अगर अच्छे अच्छे सिनारियोज मिल जाते हैं, तुम्हारा फटाफट तुम मार्क्स कैप्चर कर लेते हो, बट टाइम एलोकेट करके करना. जस्ट बिकॉज सेक्शन ए बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना इज नॉट अ गुड थिंग. अर्थ अर्थ दो दो जगह पे, अर्थ दो दो जगह पे लगता है लेक्चर अटेंड कर रहा है. ओके सो है ना, सेक्शन ए प्लीज पहले करना, उसके बाद में फिर सेक्शन बी करना. सेक्शन बी में भी तुम क्वेश्चन देख लेना, जो तुमको क्वेश्चन सबसे ज्यादा समझ में आता है वो वाला पहले कर लेना, उसके बाद में फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट यू आर वेरी गुड एट रिस्क, राइट, एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंट्रोल वाला दे दिया था, विच यू आर थोड़ा सा कच्चा पक्का, तो पहले रिस्क वाला कर लो, फिर रिपोर्टिंग वाला कर लो, फिर आ जाओ इस पे कंट्रोल्स वाले पे, है ना. सो मेक श्योर दैट यू मैनेज योर टाइम वेल, सब्जेक्ट मतलब घड़ी पे तो ध्यान देना पूरा प्लीज. ओके सो आई वॉज होपिंग कि हम लोग ना एक मैकपाई करके है, अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर ना सारे के सारे जो कॉमन जो रिस्क है ना वो सारे के सारे इसमें है, और ये December 22 का ही है. या पिंकी से, इट इज ऑल अप टू योर कंफर्ट. इफ यू फील दैट यू आर बेटर इन सेक्शन बी, तुम्हें लगता है कि मेरा सेक्शन बी बहुत तड़ाकेदार है, तो सेक्शन बी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है. ऑलराइट, तो मैं कह रहा था कि वी विल डू द मैकपाई क्वेश्चन, ये September-December 22 का है, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन. इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिस्क इन देयर, सो अच्छा खासा रिविजन हो जाता है उसमें, ठीक है. गिव मी 1 मिनट, एक्सक्यूज मी. ऑलराइट, तो ये तुम्हारा पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, मैकपाई. इसमें आई वुड लाइक यू टू डू लिटिल बिट ऑफ मेहनत, नहीं तो ऐसा होगा कि इससे मैं पूरा पूरा बोले जा रहा हूँ. ये सिनारियो को गो थ्रू करो, तुम लोग सबके पास में किट है, राइट, यू गाइज हैव ऑल गॉट द किट. ये वाला सिनारियो रीड करो, ठीक है, एंड तुम्हारे, ठीक है, एंड तुम्हारे हिसाब से तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. इसकी रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. मैं तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि तुमको सेक्शन बी में भी नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, अब ये तो हमारे पास में है ना कि एंगेजमेंट लेटर अगर होगा तो पर्पस, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीस वगैरह वगैरह सब क्लियर हो जाता है, राइट. तो तुम ये तुमने जैसे ही लिखा तुम्हारे 4 मार्क्स इधर आ गए, ठीक है, तो तुम्हारे पास में ये एक इजी आ गया. अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द टू रेशियोज, जिसके 2 मार्क्स हैं. ये मैंने कल ही तुम लोग को बोला था कि ये तो तुम्हारे, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज, इफ यू आर गेटिंग 2 मार्क्स फॉर रेशियोज, प्लीज इनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है. अब नेक्स्ट वाला जो है, उन्होंने बोला हुआ कि भाई 7 रिस्क एंड 7 रिस्पॉन्स. आई वुड लाइक यू टू एटलीस्ट आइडेंटिफाई 2 रिस्क द वे यू विल राइट इन द एग्जाम, उसको वैसे लिखो
और उसके सामने रिस्पॉन्स लिख के मुझे एक साथ चैट में डालो, सो दैट बिकॉज लुक आई अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू गेट ऑल योर आंसर्स चेक, बट डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट योर आंसर्स, आई एम लुकिंग एट ये तो तुम लोग यहाँ देख लो, तुम लोग कल भी 30 लोग थे, आज भी 20 लोग हैं, बट वैसे वो 50-60 पता नहीं कितने ग्रुप में और वो कहाँ कहाँ से फिर उठ के क्वेश्चन भेजते रहते हैं, राइट? तो आई एम टू हैविंग टू लुक एट मल्टीपल आंसर्स. सो पॉइंट बिंग इज दैट हम लोग आज यहाँ सेशन में, तो हम लोग साथ में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट? तो प्लीज तुम मुझे अभी चैट में दो, तुम कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करके लिखोगे और कैसे रिस्पॉन्स तुम उसकी बनाओगे, ये प्लीज मुझे करके दो. तो पहले ऑफकोर्स सिनारियो पढ़ो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिस्क तुमने दो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो वो दिस दो रिस्क का तुम यहाँ चैट बॉक्स में डालो प्लीज. एवरीवन एवरीवन फॉलोइंग व्हाट आई वांट यू टू डू, ऑल ऑफ यू प्लीज, थैंक यू. थैंक यू इशिता, शबाश, थैंक यू अपेक्षा, थैंक यू प्रियांशी, रेस्ट ऑफ यू प्लीज फटाफट स्माइल, गुड, थैंक यू रोहन, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू देरिया, थैंक यू अनुष्का, शबाश, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सिया, थैंक यू रेहान, शबाश इशिका, लवली लवली, गुड जॉब. ठीक है चलो फटाफट करो ये. खुशी प्लीज आंसर करना जैसे मैंने बताया. I have Ishika Khushi, new audit client. सबने दो दो बनाना है प्लीज, बिकॉज आई विल रिव्यू एंड आई विल गिव यू माई फीडबैक ऑन दैट, सो एवरीवन प्लीज शेयर टू, टेक अ फ्यू मोर मिनट्स. चलो देखते हैं सबके आंसर्स. ओके ऑलराइट, सो खुशी न्यू ऑडिट क्लाइंट, दैज अ लैक ऑफ cumulative audit knowledge and experience and detection risk is increased. Opening balance may be misstated as crow company has not performed audit last year. Response, more time and resources needs to be allocated in understanding magpie company at the start of audit. More substantive procedures need to be performed in order to reduce the detection risk. Okay, that is good. तो इसमें खुशी तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ये जो है ना देर इज एन इंक्रीज इन डिटेक्शन रिस्क, उसमें तुम्हें पहले अब जैसे लैक ऑफ क्यूमुलेटिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद में तुम लिख सकते हो द ओपनिंग बैलेंसेस कुड बी मिसस्टेटेड एज क्रो हैज नॉट परफॉर्म ऑडिट, देर इज अ हायर डिटेक्शन रिस्क एंड देन यू कम टू रिस्पॉन्स में. ठीक है तो वो थोड़ा सा जिगल कर देना. मैकपाई इज अ न्यू क्लाइंट, वेरी गुड, न्यू क्लाइंट, देर इज अ लैक ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, दस दस इंक्रीज ओपनिंग बैलेंसेज माइट बी मिस्टेटेड, वेरी गुड नंदिनी, एकदम स्ट्रक्चर के साथ में. पहले तुमने कॉपी पेस्ट किया कि क्या प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लेन किया उससे तुमको कौन सा रिस्क हो रहा है और तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वेरी गुड, स्टिकिंग टू द स्ट्रक्चर. कमिंग टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, The auditor should devote more time and resources to obtain the understanding of the company. Larger samples should be tested and more substantive testing. Good. ये जैसे खुशी ने किया था, खुशी का थोड़ा सा वर्डिंग अलग है, तुम्हारा थोड़ा सा वर्डिंग अलग है, बट बोथ ऑफ यू गेट फुल मार्क्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रियंका, न्यू क्लाइंट, नॉट फेमिलियर विथ अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांजेक्शन, देयर इज एन इंक्रीज इफ डिटेक्शन रिस्क, रिस्पॉन्स Experience team must be assigned to audit. Adequate time should be allocated to obtain an understanding of Magpie's risk of material statement, including detailed name to cover this area. अब प्रियंका तुम देखोगे ना यहाँ गड़बड़ है, बिकॉज आपने पहली बात तो स्ट्रक्चर फॉलो करके आपने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया पूरा कि वो न्यू क्लाइंट है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम आता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से. आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपके कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो तुमको इफ आई वर मार्किंग दिस, तो तुम्हारा वो जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मार्क है शायद मैं दू ही नहीं, या मे भी अगर बहुत अच्छे मूड में हो तो हाफ अ मार्क, बट या क्योंकि तुमने न्यू क्लाइंट लिख दिया है कि न्यू क्लाइंट इज अ प्रॉब्लम, डिटेक्शन रिस्क इज अ प्रॉब्लम, बट इफ देर इज दिस होल थिंग इज नॉट देयर ना,
चांसेस है कि पूरा का पूरा माफ हो जाए, ठीक है। रही बात तुम्हारी रिस्पॉन्स की, यस द रिस्पॉन्स लुक्स फेयरली डिसेंट, सो यू शुड बी एबल टू गेट अ मार्क ओवर देयर। कमिंग टू खुशी, न्यू सेल्स सिस्टम, ओपनिंग बैलेंसेस मे नॉट हैव बीन ट्रांसफर करेक्टली फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, वुड लीड टू एरर्स इन न्यू सिस्टम, लीड टू सेल्स एंड रिसीवेबल्स बीइंग मिसस्टेटेड। ओके, फेयर इनफ। ऑडिटर शुड परफॉर्म सबस्टैंडर्ड टेस्ट ओवर ओपनिंग बैलेंस टू इंश्योर दे आर करेंटली ट्रांसफर्ड, ठीक है, गुड। खुशी, खुशी का न्यू क्लाइंट वुड ग्रो रिस्क दैट द टीम इज नॉट फेमिलियर विद अकाउंटिंग, देयर इज अ डिटेक्शन रिस्क। एंड अगेन इशिका, तुमने मिस किया है, ये बताना है तुम्हें कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मिसस्टेटेड, यू मिस दैट, राइट? सो प्लीज एट दैट पॉइंट सो दैट यू कैन गेट योर फुल वन मार्क। रिस्पॉन्स में अंडरस्टैंडिंग शुड एलोकेट मोर एक्सपीरियंस। ऑडिट टीम, देखो इसमें एक्सपीरियंस ऑडिट टीम लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन तुम्हें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, ज्यादा रिसोर्सेज लगाने की जरूरत है। एक्सपीरियंस टीम हम किस पे लगाते हैं? जहां हमको डर लगता है देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क कि भाई ये कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है या ये कुछ जुगाड़ कर रहा है, झोल कर रहा है, इसके इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ, वहां तुम्हें लगाना होता है, ठीक है। सो मे बी आई विल नॉट गिव यू अ फुल वन मार्क देयर इज वेल। उसके बाद में नंदिनी, पीपी एक्सपेंडिचर, कंपनी स्पेंड फॉर रिफर्शिंग, ऑल दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, माइट नॉट बी अकाउंट्स वाइज द वर्क स्पेंड ऑफ यू माइट आल्सो इंक्लूड सम इन द चेंज क्रेडिट कैपिटलाइज, दस द पीपीई माइट बी ओवरस्टेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, लवली लवली लवली। ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ डील बैक डाउन द कॉस्ट इंक्लूडिंग इन द रिफर्बिशिंग स्टोर्स रिव्यू इफ दे आर अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, ठीक है, अच्छा लगा, परफेक्ट है। रिस्क वाला ज्यादा अच्छा लगा है, रिस्पॉन्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वी कैन ठीक है, मतलब चलो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आस्क फॉर अ ब्रेक डाउन एंड देन चेकिंग इट इन लाइन विद IAS 16, आई थिंक चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यशवी न्यू क्लाइंट, तुमने ये यशवी किसका उठा के दिया है? हरक्यूल्स कंपनी एज अब नॉट ऑडिटेड द कंपनी लास्ट ईयर, ठीक है। मतलब आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर तुमने मैकपाई लिखा होता तो उसका आंसर ये लिखते तो तुम्हारा सही है, चलो दिस गुड, दिस इज द दिस इज अ फेयरली डिसेंट आंसर। बट अगेन क्या हुआ है, तुमने एंड में भी उसको क्या किया हुआ, लिखा हुआ एज द डैश एज द हैव नॉट ऑडिट द कंपनी लास्ट ईयर, मतलब तुमने तोड़ दिया, स्टार्ट अच्छा किया और उसका फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में यू डिड नॉट टॉक अबाउट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन से पार्ट पे इम्पैक्ट है। गाइज नहीं स्ट्रक्चर फॉलो करोगे यू विल एंड अप, जैसे आई माइट नॉट गिव यू द फुल वन मार्क ओवर हियर, राइट? एंड ऐसे ही हाफ 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 मार्क निकलता निकलता यहाँ वहाँ तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है ओवरऑल। न्यू ऑडिट क्लाइंट मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑडिट टीम, दे मस्ट बी गिवन सफिशिएंट टाइम, ठीक है, सफिशिएंट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। रिस्क में स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग एज वेल एज एनीथिंग मे कंसीडर हाउ योर परफॉर्मेंस लीड टू मैनिपुलेशन इंक्रीज ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स रेवेन्यू अंडर स्टेटमेंट लाइबिलिटीज, ओके सेकंड वाला तुम्हारा ठीक लग रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ टीम मेंबर्स अदर आउट मेंबर्स मस्ट मेंटेन, हाँ आई एम ग्लैड कि इसने एटलीस्ट स्केप्टिसिज्म तुमने बोला कि भाई देयर नीड्स टू बी एन इंक्रीज लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म, जरूरी है कि हम इंक्रीज लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म करें, ठीक है। उसके बाद में कहा गया, there's a risk that incorrectly expenses has taken under PPE as a result of non-compensated expense, हाँ मतलब तुमको ना पिंकी यू नीड टू स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग कि हुआ क्या है। तो तुमने सीधा पीपी एक्सपेंडिचर डाल दिया, तुमने ये डाला नहीं है कि भाई ये किधर का खर्चा है, तो तुम पहले स्टार्ट वैसे करोगे कि हाँ भाई ये सारा खर्चा हुआ था रिफर्बिशिंग पे जिसमें तुमको अभी लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो अगेन वी नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर, फॉलो नहीं करोगे देयर विल बी ए प्रॉब्लम। रिस्पॉन्स में ऑप्टेन द स्केड्यूल कॉल बी नेवर प्रोसेस, हाँ ठीक है चल जाएगा। रिव्यू द इनवॉइसेस एंड असेस द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब इफ यू हैड थ्रोन इन कि हाँ भाई यू विल रिव्यू एंड असेस वेदर इट इज इन लाइन विद IAS 16 तो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स होता, बट ठीक है दिस इज ऑल्सो ओके। रिस्क ऑफ फ्रॉड में डीलिंग विद कैश सिस्टम इज नो कैश मेंटेन गेट स्टेटेड should have problems and then the test of mismatching new system is oh okay response में थोड़ा सा थिंकी थोड़ा सा वीक है, इट इज नॉट इन लाइन विद कि कैश के तुम रिस्क को कैसे कम कर रहे हो। कंपनी ऑन न्यू सिस्टम व्हिच कॉज ऑफ द
डायरी, आई एम सॉरी, ये जो तुमने लिखा हुआ है कंप्लीटली कंप्लीटली रॉन्ग है. यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दिस, सॉरी अबाउट दैट. क्योंकि मैं मतलब थोड़ी टाइम पास के लिए तुम लोग को बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर फॉलो करो. क्या लिखा है एकदम, कंपनी इंस्टॉल अ न्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ईयर, रिकॉर्ड्स ऑल सेल्स रिसीवेबल बट नॉट एनी मैनुअल चेक्स. ये रिस्क का क्वेश्चन है बेटा, तुम वो कंट्रोल वाला क्वेश्चन समझ के तुमने इसको लिखा हुआ है. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट वी आर केयरफुल व्हेन वी आर लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट. अगर रिस्क का क्वेश्चन है तो रिस्क वाली चीजें लिखना है. एंड रिस्क में हमारे पास में स्ट्रक्चर अलग है. एंड प्लस तुमने ये लिख के उसके बाद में मतलब क्या इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या इम्पैक्ट है, कौन सा टाइप का रिस्क है, कुछ भी नहीं है इसमें धैर्य, है ना. सो इट्स यू हैव टू वर्क क्रेजी ऑन दिस वन. अपेक्षा, न्यू क्लाइंट, लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑल्सो डिटेक्शन रिस्क इज इंक्रीज, दिस स्टेटमेंट्स आर मिस स्टेटमेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम नीड टू बी प्लान, ठीक है, फाइन. अपेक्षा, फर्स्ट वन एक्सपेंडिचर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, गुड. ऑब्टेन अ ब्रेकडाउन एक्सपेंडिचर, ठीक है, दिस इज वेरी गुड, है ना. सेकेंड वाले में क्या है, थोड़ा सा तुम्हारा वर्डिंग इंग्लिश थोड़ा सा कम कर सकते हो बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर, ठीक है. अच्छा, उसके बाद में डिड नॉट परफॉर्म, देयर इज अ लैक ऑफ कम्प्लीट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो तुम्हारा अगेन सिया, यू विल हैव टू मेंशन द फैक्ट कि क्या इसके वजह से तुम्हारे फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट आ रहा है. सो वी विल हैव टू एंड कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल्स है वो मिसस्टेटेड हो सकती है, ठीक है. डू नॉट फॉरगेट द दैट पॉइंट कि भाई तुम्हारे फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. और इफ यू एक्सपीरियंस पीपल मोर टाइम, ठीक है, दिस इज फाइन, रिस्पॉन्स इज ओके. प्रियंका, ओपनिंग मैनेजर मे नॉट बी ट्रांसफर द चांसेस रिसीवर मे बी मिसस्टेटेड रिस्पॉन्स, शुड परफॉर्म ऑन सर्विस ओपनिंग मैनेजर मीटर ट्रांसफर ऑन सिस्टम. हाँ मतलब प्रियंका ठीक है, मतलब इट इट वुड हैव बीन नाइस अगर तुम उसके प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते. थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो गया. Should be recognized. Expensive other. Does the risk experiment not be the criteria recognized? ठीक है, okay. And expenses, okay, fine. There's already a breakdown expenses. We will build expenses. हाँ ठीक है, इसी या तुम्हारा ये वाला अच्छा है, पीपी वाला अच्छा पॉइंट है. श्रेया, मैं कोई न्यू क्लाइंट एक्सपीरियंस मेरे स्पेस का पॉइंट है, नॉन प्ले लास्ट ईयर, मोर टाइम रिसोर्सेज मे बी डिवोटेड इन ऑल टू अंडरस्टैंड द कंपनी, मोर प्रोजेक्ट नीड टू कैरी आउट. कस्टमर्स, हाँ ठीक है श्रेया, तुम्हारा भी आंसर सही है ये वाला, गुड. कहा गया रेहान का लेवल ऑफ रिसीवर्स, रिस्क बैलेंसेस, रिसीव शेयर ओवर हैज इंक्रीज ऑन प्रायर, देयर मे बी रिकवरी शुड देयर द रिस्क ओवर सेल रिसीवर्स एंड सेल रिकवरी, ठीक है, रिव्यू द लिस्ट ऑफ इवेंट आईडी फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट्स इज मैनेज, ठीक है. रेहान, तुम्हारा ये आंसर करेक्ट. रिस्पॉन्स बी क्लाइंट, ठीक है. तो अनुष्का, तुमको सिर्फ वही, आई एम श्योर तुम ये सुन ही रहे होगे, तो यू विल हैव टू पुट इन द पॉइंट अराउंड कि भाई इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट है. अभी क्या हो गया ना, तुम्हारा जो सेकंड वाला है कैश वाला जो है, तुमने उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल के साथ में मिक्स कर दिया, राइट. तो वहां तुम्हारा गड़बड़ हो गया. नाउ एक और मैसेज है बट आई विल गिव यू गाइज दैट इन अ मिनट, ठीक है. इशिका, दिस लुक्स फाइन. अगेन रोहान, तुमने वो डाला नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कहाँ इंपैक्ट आएगा, ठीक है. पेरोल वाला पॉइंट सही लग रहा है. ठीक है प्रियांशी, तुम्हारा भी आंसर सही लग रहा है रिसीवेबल्स वाला. इशिता, इशिता फॉर यू एज वेल, फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट है, वी हैव टू ऐड दैट, विदाउट दैट वी डोंट गेट द फुल मार्क्स. ओके गुड,
ये सही लग रहा है तुम्हारा सेकंड वाला, न्यू सेल्स वाला इशिता, थैंक यू। राइट डाउन, ओके फाइन प्रियांशी, ठीक है। सॉइल वाला भी ठीक ठाक लग रहा है। इस्माइल तुम्हारा भी फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालना है। टेस्टिंग द न्यू सिस्टम मे नॉट बी द राइट आंसर देयर, बट ठीक है ठीक है। अच्छा लुक, अभी बाय द वे सबने तो मुझे आंसर लिख के नहीं दिया हुआ है, ठीक है फेयर ना। तुमको पता है मैंने तुम लोगों को सिर्फ दो क्यों बोला, मैंने क्यों नहीं बोला कि तुम लोग सारे पूरा का पूरा आंसर लिख के दो, मुझे मुझे सात चाहिए और सात ये चाहिए। क्या कोई मेरे दिल की बात बताना चाहेगा कि मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चर बोला? ओके गुड अनुष्का, व्हाट एल्स डू यू थिंक आई वाज होपिंग टू सी? एनीथिंग एल्स? बजवर्ड्स, ओके बजवर्ड्स, टाइम, डिफरेंट पॉइंट्स, शबाश, टाइम टेकन टू राइट टू रिस्पॉन्सेस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जैक्टली पिंकी, मुझे ये देखना था कि क्या आप लोगों ने अभी तक, क्योंकि मैं ये पूरा टाइम बोलते रहता था कि तुम लोगों को जो रिस्क का क्वेश्चन आएगा उसमें कॉमन वाले रिस्क आएंगे। हैव आई नॉट रिपीटेड दिस लाइक 10,000 टाइम्स फॉर अक्रॉस ऑल दी ऑडिट का, हम जो जो सिलेबस की बात करते हैं, चाहे फिर वो रिस्क हो, कंट्रोल हो, सब्सटेंटिव हो, एथिक्स हो। आई हैव टोल्ड यू गाइस दिस मल्टीपल टाइम्स। आई वांटेड टू सी दैट बाय नाउ हैव यू बीन एबल टू मेक अ स्ट्रक्चर व्हिच इज एकदम बैंग ऑन फॉर एटलीस्ट टू ऑफ देम, बिकॉज आई कुड सी दैट यहाँ तुम्हारे पास में नया सिस्टम है, कॉमन प्रॉब्लम, नया क्लाइंट है, कॉमन प्रॉब्लम, लिस्टिंग कॉमन प्रॉब्लम, रिसीवेबल्स कॉमन प्रॉब्लम, राइट? तो क्या हमने ये चारों का या जितने भी कॉमन वाले थे, इफ आई मैं एक बारी सोल्यूशन में अगर जाऊं, अगर हम ये सोल्यूशन देखें राइट, तो हमारे पास में क्या न्यू क्लाइंट हमने पहले नहीं देखा है? ऑफ कोर्स हमने देखा है। तो फॉर अस टू राइट एन आंसर व्हिच इज एज स्ट्रक्चर्ड एज दिस वन, हमें क्या प्रॉब्लम आता है राइट? तब भी ऑलमोस्ट अ गुड चंक ऑफ यू व्हाइल यू आर राइटिंग ऑल ऑफ दिस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट है वो नहीं तुम लोग डाल रहे हो, रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ आधा एक मिस हो गया। अच्छा बाय द वे यहां भी इन लोगों ने दो दो रिस्पॉन्स दिया हुआ है, तुमको एक ही डालना है राइट। यू डू नॉट हैव टू राइट द होल थिंग, यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम ले लो राइट, या एलोकेटेड। देखो मैं ना रादर देन एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज टू डू विद द न्यू क्लाइंट, मे बी एट मोर टाइम गिवेन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज अ प्रायोरिटी पॉइंट फॉर मी, ठीक है। अब पीपीई वाला कैपिटलाइज हो जाता है, हमको चेक करना है कि वो बराबर है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें IS-16 डाल दो, दीज आर ऑल गुड थिंग्स दैट दैट योर एग्जामिनर विल बी हैप्पी। ऑब्टेनिंग अ स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट, अगेन कॉमन है ये, हमेशा ही यही आंसर आएगा कि स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट लो, न्यू सेल सिस्टम आया हुआ है, हमेशा ही याद है राइट। तो ले लो कि भाई डॉक्यूमेंट करो, दे शुड ऑल्सो परफॉर्म सब्सटेंटिव टेस्ट ओवर ओवर द ओपनिंग बैलेंसेस। तो इसलिए मैंने इस्माइल तुम्हें बोला कि तुम्हें सिस्टम टेस्ट नहीं करना है तुम्हें, लेकिन उसके ऊपर जो बैलेंसेस है उस पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है। बिकॉज आधा एक वर्ड भी तुमने, देखो क्या होता है हमारी आदत होती है, हम लूजली कुछ भी लिख देते हैं कि भाई हाँ सब मिलता जुलता ही लग रहा है, बट नो इट डिफरेंट मीनिंग्स ऑल टुगेदर। वी आर लुकिंग एट एन ऑडिट रिस्क क्वेश्चन, नॉट लुकिंग एट द कंट्रोल्स क्वेश्चन राइट। तो तुम्हारा ये यहाँ गड़बड़ हो गई। अच्छा उसके बाद में न्यू सेल सिस्टम, कैश शॉर्टेजेस, चलो ठीक है कैश शॉर्टेजेस थोड़ा सा एटिपिकल है, इट्स नॉट समथिंग दैट कम्स एवरी टाइम, बट रिसीवेबल, रिसीवेबल इज द कॉमन ना। तो चार तुमको मैं बोल रहा, सात में से चार तो आ गए तुम्हारे पास में जो कॉमन है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी तुम्हारा कॉमन आ जाता है कि भाई
यू नो तुमने इन्वेंट्री क्या ली हुई है और वर्सेस क्या दिखा रहे हो तुम। सो लुक गाइस, पॉइंट बीइंग ऑफ गेटिंग यू टू डू दिस एक्सरसाइज वाज टू फिगर आउट वेदर बाय नाउ यू हैव बीन एबल टू गेट अ गुड स्ट्रक्चर। सो कैन आई सी वी हाउ मेनी डेज डू वी हैव नाउ? 15 days, 16 days, वट एवर दोज नंबर ऑफ डेज आर, राइट? कैन आई रिक्वेस्ट यू इवन नाउ, अगर आप लोग ये कर लेते हो, इवन ये 2 हफ्ते में जो आप लोग अगर कर लेते हो कि भाई मेरे पास में ऑडिट नया क्लाइंट आया है, मेरा रिस्क ऐसे ही लिखूंगा। अब मैंने आई थिंक किसका आंसर देगा जिसमें उसने हरक्यूज लिख दिया है ना, जिसका भी पुराना आंसर है वो उसने वहां कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज, हाँ यशवी ने, राइट? नाउ एज लॉन्ग एज यशवी हैज दिस एज अ स्टैंडर्ड टू राइट, यशवी को पता है कि मैं जब भी मेरे पास में नया क्लाइंट आएगा मैं उसमें सिर्फ नाम चेंज करूंगी और मैं लिखूंगी उसको ऐसे ही। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। प्लीज, आई नो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रोटे लर्न, बट ऑडिट है गाइस यार, ऑडिट तुम लोगों को पता है ना, सब लोग कितना डराते हैं बाहर मार्केट में। मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बट एटलीस्ट तुम लोग ये जो एग्जाम टिप्स जो तुम लोगों को दे रहा हूँ वो तो फॉलो करो। हाँ तो प्लीज एटलीस्ट जो कॉमन वाले हैं, इन्वेंटरी को लेके, रिसीवेबल को लेके, पेबल को लेके, ओपनिंग बैलेंसेस या न्यू क्लाइंट को लेके, लिस्टिंग को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, ये 6-7 जो भी एरियाज है ना इसके बना लो तुम। आई प्रॉमिस यू तुमको सिर्फ और सिर्फ उसका थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा एंड यू विल बी डन। एवरीवन एवरीवन ऑन द सेम पेज विथ मी ऑन दिस वन? ऑल 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 18-19 ऑफ यू प्लीज। ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड गुड, राइट? देर या बेटा तुमको करना पड़ेगा वो, यू विल हैव टू रियली रियली बी केयरफुल, राइट? सॉरी, देख आई डोंट वॉन्ट टू डीमोटिवेट, मोस्ट ऑफ यू नो आई डोंट लाइक डीमोटिवेटिंग एनी वन, बट कैसा है देख 2 हफ्ते रह गए ना, आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स टू डू सच काइंड ऑफ अ ब्लंडर, राइट? आई कैन देख बाकी सब में क्या ये मिसिंग है वहां मिसिंग वो चल जाता है, बट ये तो एकदम ब्लंडर था। हाँ तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन आंसर बनाएंगे, ठीक है? चलो गुड, अगर लगेगा कहीं मुझे अपने आंसर्स भेज देना, हाँ मैं चेक कर लूंगा फिर से, ठीक है? चलो गुड, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट। नाउ आई नो इट्स ऑलरेडी 12:40, एक एक 15 odd minutes का ब्रेक लेते हैं, आते हैं वापस, एंड इन द लास्ट 1 आवर आई वॉन्ट टू डू द रिस्क हो गया ना, हाँ एक कंट्रोल वाला, इसके अभी एक कंट्रोल वाला कर लेंगे इसके बाद में, और एक प्रोसीजर्स कर लेंगे, एंड अगर टाइम मिला तो एक एथिक्स वाला कर लेंगे, ठीक है? प्लीज ब्रेक ले लो, इट्स ऑलमोस्ट 12:45 हो रहा है ना, 1 बजे तक वापस आ जाओ प्लीज। थैंक यू। हाँ जी चलो लेट्स, ओ 4-1 लोग मिसिंग है, एनीवेज मैं तब तक क्वेश्चन निकालता हूँ, गिव मी वन मोमेंट। कंट्रोल्स में डेली लेते हैं, क्या है 3? ओके चलो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 218 है, मे बी आगे पीछे होगा बिकॉज मैंने ये लास्ट ईयर का वर्जन ओपन किया हुआ है। सो 218 क्वेश्चन नंबर डेली, ठीक है? नाउ इसके पास ये कंट्रोल वाला क्वेश्चन है, अगेन तुमको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, सबसे पहले तो ये क्या होता है कंट्रोल एनवायरमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह, लाइक ऑलवेज देर इज सम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, तो ये तुम देखोगे 5 मार्क्स सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का है, सो दैट इज अगेन इजी मार्क्स फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सो यू नीड टू नो व्हाट इज अ कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट वगैरह वगैरह। अच्छा अब तुम्हारे पास में, ओप सॉरी आगे चला गया, नाउ तुम्हारे पास में नेक्स्ट जो उन्होंने बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई
फाइव डेफिशिएंसीज, रेकमेंड अ कंट्रोल एंड देन डिस्क्राइब अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये तुमको 5 के लिए करना है, राइट। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मुझे सिर्फ तुम सिर्फ एक के लिए करके दिखाओ, सिर्फ एक के लिए करके दिखाओ। एंड देर आर कितने प्रोसेसेस हैं यहाँ, पेरोल है, बैंक एंड कैश है, नॉन करंट एसेट्स है, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे पेरोल में से मुझे एक डेफिशिएंसी निकालें, उसकी रिकमेंडेशन दें और उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल दें, ऑल ऑफ देम 3 टुगेदर। प्लीज ये बना के फटाफट भेजो मुझे, ऑल ऑफ यू। वापस से बोल रहा हूं, पेरोल वाले प्रोसेस में से एक ही डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करो, रिकमेंडेशन एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। प्लीज क्विकली सब लोग करो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ यू गाइज आर गेटिंग ऑन विथ क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर देयर, बिकॉज यू शुड नो कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लूज मार्क्स हियर कंट्रोल्स में। श्रेया, मैंने बोला है कि डेली वाला जो सिनारियो है उसमें तुम लोगों को पेरोल वाला जो प्रोसेस है, यू ऑल हैव टू फाइंड आउट वन कंट्रोल डेफिशिएंसी, उसके साथ का रिकमेंडेशन और उसके साथ का टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सिर्फ ओनली वन। दे आस्क्ड फॉर 5, आई जस्ट वांट वन टू सी इफ यू गाइस हैव डन द स्ट्रक्चर करेक्टली और नॉट। प्लीज फटाफट करो लेकिन। ऑल राइट, सो आई थिंक मेरे पास में इनफ आंसर्स आ गए हैं कि आई कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो कंट्रोल डेफिशिएंसी एज द सिस्टम इज नॉट चेक्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हिच मे बी एरर टू गो अनअटेंडेड व्हिच कैन लीड टू ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट, एम्प्लॉई विल हैम्पर द गुडविल ऑफ द कंपनी एंड लॉस टू द कैश फ्लो। ओके ठीक है, मतलब फाइन है, वी कैन लिव विद दैट अनुज। द फाइनेंस डायरेक्टर शुड सुपरवाइज द पेरोल सो द एविडेंस इन चेक एंड वेरीफाइड इज एक्यूरेट। ओके, टेस्ट ऑफ रिव्यू शुड बी टेकन प्लेस फॉर इंस्पेक्शन द पेरोल रिकॉर्ड फॉर एविडेंस ऑफ सिग्नेचर कंफर्म चेक बाय फाइनेंस। ठीक है, तो तुम्हारा कंट्रोल रिकमेंडेशन भी ठीक ठाक है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी ठीक है। प्रियांशी, चेंजेस रिक्वायर्ड, द पेरोल क्लर्क मेक्स द अमेंडमेंट्स, देयर इज नो सेग्रीगेशन ड्यूटी। ये हुई ना बात, आया एकदम मस्त। चाहिए अपने को प्रियांशी ये सारी, ये नो कि कौन सा कंट्रोल मिसिंग है तुम्हारा, राइट। सो सेक्रेटरी पे नॉट पे आउटस्टैंडिंग डेटा, यू पे इंटेंशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे समय व्हिच वुड रिजल्ट टू लॉस ऑफ एम्प्लॉय गुडविल, वेरी गुड। कंट्रोल रिकमेंडेशन, सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द पेरोल डिपार्टमेंट शुड इंस्पेक्ट द रिपोर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन अ वीकली बेसिस, शुड बी रिव्यूड बाय वे ऑफ सिग्नेचर, वेरी गुड। इंस्पेक्ट द रिपोर्ट फॉर एविडेंस ऑफ बीइंग रिव्यूड बाय सीनियर ऑफिशियल पेरोल डिपार्टमेंट सच एज ए सिग्नेचर, वेरी गुड प्रियांशी। No checks of data transfer. Each week the hours recorded transferred to the payroll system. Automate no checks over this is performed. As no checks are being performed, errors of open can be made resulting in extra cost. ठीक है, तो इसमें ना deficiency में तुम थोड़ा सा डाल सकते हो कि इससे तुम्हारे जैसे कि business पे क्या impact आ रहे हैं, तो यू नो लॉस ऑफ कैश फ्लोज हो सकता है या लॉस ऑफ गुडविल हो सकता है विद द एम्प्लॉइज। हाँ नंदिनी, तो वो तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो। The transfer of the system that should be reviewed by a senior manager weekly should be authorized by signing it. ठीक है, ठीक है, fine. तो हाँ, मतलब तुमको test of control में ये बोलना है कि भाई you will check for the signatures if they are there or not. हाँ, तुमको ये डालना है. But yeah, overall okay. It is reviewed. This would be a fictitious employees reported. देख again, अभी क्योंकि हम structure देखो, हम लोग को guys structure फॉलो करना है टू द टी, आधा नहीं फॉलो करना है हमारा। जब भी हम कंट्रोल्स की बात करते हैं, व्हाट इज आवर स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि ये डेफिशिएंसी वाला था, आइडेंटिफाई करो, कॉपी पेस्ट करो डेफिशिएंसी जो उधर डाली है। अब तुम्हें क्यों लगता है ये डेफिशिएंसी है? वो इसलिए लगती है बिकॉज यू नो अगर वो रिव्यू नहीं कर रहा है तो उसमें से डेटा मिसिंग हो सकता है, उसमें से लोगों के नाम एक्स्ट्रा हो सकते हैं, फिक्टिशियस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तुमने प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दिया, इससे बिजनेस को क्या इंपैक्ट हो रहा है? बिजनेस पे इंपैक्ट ये हो सकता है कि भाई कंपनी कैश लूज करेगी या तुम्हारे एम्प्लॉय गुडविल पे इंपैक्ट आ जाएगा। एंड इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने बोला था ये कि अब जो न्यू स्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने बोला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है वो भी डालते हैं।
जिसके वजह से तुम्हारा लेट से पेरोल अंडरस्टेटेड होगा, ओवरस्टेटेड होगा, कुछ भी जो भी तुम्हारा वो फाइनेंशियल इंपैक्ट है इसमें डाल देना, ठीक है? अगर तुम ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते हो, अगेन यू आर लूजिंग मार्क्स। नाउ कमिंग टू रिकमेंडेशन, एफडी शुड रिव्यू द पेमेंट लिस्ट बिफोर ऑथराइजेशन। अगेन सब आधा आधा यार, वी हैव टू राइट इट अ बिट मोर। रिव्यू द सैंपल ऑफ पेमेंट्स एंड बाय एज अप्रूव्ड पेमेंट और नॉट। अगेन क्या रिव्यू कर रहे हो उसमें तुमको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि भाई मैं सिग्नेचर चेक कर रहा हूँ ऑफ द एफडी और द ऑथराइज पर्सन, वेदर इट हैज बीन ऑथराइज और नॉट, ठीक है? पिंकी, नो मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। रॉन्ग पेमेंट्स, मे मिस स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एक्सपेंसेस। ओके गुड इशिता, तुमने एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डाला है इम्पैक्ट, राइट? तो वो तुम लिख सकते हो, रॉन्ग पेमेंट्स, इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ कैश एंड देन मिस स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। इट शुड बी रिव्यूड बाय पेरोल सीनियर वीकली बेसिस, यूजुअली शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, फेयर इनफ। फाइन, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट ट्राई ये करो कि तुम्हारे जो पापसी है, पापसी को इनकॉर्पोरेट करने को ट्राई करो। यूज द वर्ड्स देयर कि भाई ऑथराइजेशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चेक्स होने चाहिए, या सीक्वेंस चेक होने चाहिए, या बैच टोटल्स होने चाहिए, राइट? ये सारा तुमको ना, देखो जब तक तुम पापसी नहीं डालते हो, दैट मींस यू आर नॉट टेलिंग द एग्जामिनर द बजवर्ड्स दैट ही इज लुकिंग फॉर, राइट? तो आई वुड सजेस्ट, एंड दिस इज अ कॉमन थीम दैट आई एम लुकिंग एट, राइट, अ कॉमन थीम अक्रॉस ऑल ऑफ यू, कि आप लोग पापसी नहीं डाल रहे हो इन द कंट्रोल रिकमेंडेशन। आपका कंट्रोल कब चल रहा है? जब पापसी है। तो अगर आप अपने कंट्रोल में पापसी नहीं डालोगे तो आप चेक क्या करोगे, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द पापसी देयर। ठीक है गुड अनुष्का, वीकली रिपोर्ट हिम टू वेरीफाई। हाँ तो लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि मैं चेक करूंगा कि वो सिग्नेचर उसने किया है कि नहीं किया हुआ है, तुमने वो नहीं डाला हुआ इसमें, राइट? सो दैट्स हाउ यू नो दैट योर कंट्रोल इज वर्किंग फाइन। गुडविल, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ओवर चेक्स ओ पेमेंट्स कुछ भी मेरे जाने लॉस नहीं। अभी तुमने देखो ना क्या लिखा है कि ईच वीक, सॉरी रोहान, तुमने लिखा भाई ईच वीक ट्रांसफर तो हो रहे हैं, लेकिन इफ नो चेक्स परफॉर्म ओवर पेमेंट्स कुड बी मेड। अगर ओवर पेमेंट हो रहा है तो कोई क्यों नाखुश रहेगा ना? तो वहां तुमने गड़बड़ किया हुआ है, यू मे लूज अ मार्क ओवर देयर, राइट? रिकमेंडेशन में ट्रांसफर सिस्टम शुड बी रिव्यूड बाय सीनियर ऑफिसर बाय बेसिक चेक, ठीक है, रिकमेंडेशन इज फाइन। हाँ ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज आल्सो लुकिंग फाइन। रेहान, प्रॉपर मैसेज अप्रूव बाय फ्रेंड लीड टू एम्प्लॉय गुडविल एंड सेफ कॉस्ट गिविंग इनकर्ड, ठीक है। अगेन तुम्हारा इम्प्रॉपर पे राइजेस है तो लॉस ऑफ एम्प्लॉय गुडविल नहीं होगा रेहान, राइट? सो यू नीड टू बी केयरफुल देयर। सैलरी शुड बी अप्रूव्ड इन सम वे टू कंट्रोल, ठीक है, थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करेंगे रेहान। आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट मार्क्स। इशिका, ठीक है फाइन, ओके इशिका, आई थिंक दिस लुक्स ओके। और ट्रांसफर नो चेक परफॉर्म और पेमेंट डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, कंट्रोल चेक परफॉर्म मेड आउट चेक मेरा पेमेंट भाई मेरा बिफोर द पेमेंट इज मेरा। हाँ अभी ये जो चेक है ना, तुमको इसमें ये भी लिखना है कि चेक तुम कंफर्म कैसे करोगे। चेक शुड बी कंफर्म बाय वे ऑफ सिग्नेचर श्रेया, हाँ तो वो डालना नहीं भूलना, नहीं तो तुम्हारा आधा ही कंट्रोल आया है। एम्प्लॉय, ठीक है, सीडी
Not reviewed. ठीक है. रिव्यू वीकली बेसिस. तो इसमें क्या है ना, तुमने इस्माइल, यू हैव टू टॉक अबाउट द बिजनेस एज वेल एज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट. तो तुम्हें बिजनेस का भी इम्पैक्ट डालना है कि भाई अगर अगर अंडर पे किया होगा तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ एम्प्लॉय गुडविल हो जाएगा. ज्यादा पे कर रहे हैं तो इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ कैश टू द बिजनेस, राइट? तो तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, दोनों इम्पैक्ट डालना पड़ेगा. रिकमेंडेशन में सिग्नेचर शुड बी परफॉर्म. ठीक है, ठीक है, फाइन. तो तुम्हारा बाकी का दो पार्ट सही है. ऑलराइट, गुड. सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गिव द आंसर व्हिच इज वेरी गुड. नाउ आई जस्ट वांट टू वेरी क्विकली शो यू ऑल, बिकॉज आप लोग सबने मोस्टली सबने सेम ही वाला अटेम्प्ट किया था ना. सो हम लोग देख लेते हैं उसको. डेली यहाँ सर्च करता हूँ अभी. चलो, तो हमारे पास में ये जो एक तो तुम लोगों ने ये डाला हुआ है, एडिट कर रहा है, रिव्यू नहीं हो रहा है. तो वेरी क्विकली कि देखो स्ट्रक्चर कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है. तुमने बोला एडिट रिपोर्ट नॉट रिव्यूड, कॉपी पेस्ट. पेरोल क्लर्क परफॉर्म्स पेरोल कैलकुलेशंस, अमेंड द डेटा इफ देयर आर एनी एरर्स, द एडिट रिपोर्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज नॉट रिव्यूड. अब तुमने इसका बोल दिया कि भाई क्या हो रहा है. अब इससे क्या प्रॉब्लम है, द पेरोल क्लर्क कुड मेक एरर्स व्हेन मेकिंग द अमेंडमेंट्स और कुड फ्रॉडुलेंटली रिवाइज द पेरोल डेटा टू इन्फ्लेट पे ऑफ फ्रेंड्स. तो ना यू टेलिंग इट कि देखो ये हो रहा है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है. अब इससे तुम्हारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट है, दिस कुड रिजल्ट इन करेक्ट पेमेंट्स बीइंग मेड, इनकरेक्ट डिडक्शंस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एम्प्लॉय गुडविल एंड मिस स्टेट ऑफ पेरोल एक्सपेंस, राइट? सो इफ वी स्टिक टू द स्ट्रक्चर वी आर एबल टू वेरी कंफर्टेबली डू द होल वन मार्कर ईयर. अच्छा, अब हमको बोला है कि भाई इसको हमें कैसे फिक्स करना है. द एडिट रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड, क्योंकि हम जब रिकमेंडेशन देते हैं तो क्या देते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, राइट? तो तुम्हारे पास में एडिट रिपोर्ट है, क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस. कौन करेगा, सीनियर ऑफिशियल करेगा, राइट? कैसे करेगा, इट शुड बी पेरोल डिमांड बिफोर पेरोल इज फाइनलाइज एंड पेमेंट इज मेड. एनी अनयूजुअल अमेंडमेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. रिव्यू इज एविडेंस, राइट? आई थिंक इशिता तुमको बोला था, इशिका तुमको बोला था, या श्रेया तुमको बोला था, कांट रिकलेक्ट नाउ. बट यू हैव टू राइट कि इसको तुम कैसे, देखो सिर्फ बोलना नहीं, अपने को ही बोला कि हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाय शोइंग दिस ईयर. एंड देन फॉर अ सैंपल ऑफ वीकली एडिट रिपोर्ट्स, अ कंफर्म दैट दीज हैव बीन साइंड एज रिव्यूड बाय सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम अ पेरोल डिपार्टमेंट. बस एक ही, यू डोंट हैव टू राइट द सेकेंड वन, यू राइट द फर्स्ट वन एंड यू डन, राइट? एंड उसमें भी क्या बोल रहे हो, तुम चेक कर रहे हो फॉर अ सैंपल, क्योंकि मैं तुम्हें बता था ना कि टिपिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो सैंपल आता ही आता है. सो फॉर अ सैंपल ऑफ वीकली रिपोर्ट्स, कंफर्म दैट दीज हैव बीन साइंड एज रिव्यूड बाय अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द पेरोल डिपार्टमेंट. लिटरली यहाँ जो तुमने दिया हुआ है वही तुम यहाँ जा के डाल देते हो. तुम बोल रहे हो भाई मैं सिर्फ इसको रिव्यू कर रहा हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो तुम्हारा अगर कंट्रोल रिकमेंडेशन है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो लिटरली तुम्हारा जो रिकमेंडेशन ही तुमको वहां कॉपी पेस्ट करके तुम्हें उसमें थोड़ा सा वर्ड चेंज करना होता है, राइट? नाउ दैट इज अगेन, दीज आर ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम आर वेरी कॉमन वंस. नो चेक्स, रिव्यू नहीं हो रहा है, या आप जैसे कि इन लोग का ये प्रॉपर्टी ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, चलो ये मे बी नहीं है. रिव्यूज रिव्यूज काफी कॉमन आता है, राइट? कैश के अंदर ठीक है, रिकंसिलिएशंस नहीं है, राइट? सो लाइक इन द रिस्क कंट्रोल्स में भी कई बार तुम्हारे पास में कॉमन पॉइंट्स आते हैं. अगेन ऑफ कोर्स क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस है तो तुमको थोड़ा सा वो प्रोसेस को लेके लिखना पड़ता है, बट स्टिल यू कैन हैव सम कंट्रोल कॉमन कंट्रोल पॉइंट्स दैट विल यूजुअली हैव एन इशू, राइट? सो आई थिंक हियर यू गाइज हैव डन फेयरली डिसेंट. बहुत ज्यादा किसी का मुझे गैप दिखा नहीं है, बट प्लीज मेक श्योर करना कि तुम ये वाले आंसर्स को भी जहां जहां पॉसिबल हो, कि भाई मेरा जब भी रिव्यू नहीं होता है तो मैं ऐसे टाइप का लिखता हूँ, जब भी सेग्रीगेशन नहीं है तो ऐसे टाइप का आंसर लिखता हूँ, जब भी उसमें पासवर्ड्स नहीं है, जब भी उसमें सिस्टम चेक्स नहीं है, जब भी उधर फिजिकल कोई कंट्रोल नहीं है तो मैं ऐसे, मतलब फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पापसी दैट यू हैव इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर इन प्लेस, कि अगर
कंट्रोल नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं, ऑथराइजेशन नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स नहीं है तो मैं, सिस्टम कंट्रोल्स नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा. एज लॉन्ग एज इफ यू डन दैट यू विल फाइंड इट सो मच इजियर टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम, राइट. सो प्लीज मेक श्योर करो दैट अगेन लाइक इन द रिस्क ये सारे एक एक आइडेंटिफाई करके रखो, सो दैट यू जस्ट हैव टू इन द एग्जाम अप्लाई. एवरी वन क्लियर विद दैट? एवरी वन अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लवली. ओके गुड, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू, ऑसम 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 ऑसम. ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी मुझे करने थे. एक एथिक्स वाला मेरा नहीं ख्याल, मुझे आज मौका मिलेगा सो आई कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वाला पैसिफिक पैसिफिक चलते हैं, पैसिफिक. ठीक है फाइन. तो तुम्हारे पास में अगेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है. क्या बोला हुआ है? ऑडिटर शुड परफॉर्म सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिलेशन टू कंप्लीटनेस ऑफ पैसिफिक कंपनीज ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स, राइट. सो ऑब्वियसली तुम्हारे पास में एक कंप्लीटनेस के अराउंड है और एक तुम्हारे पास में आया हुआ रिक्वायरमेंट यहाँ, परफॉर्म एविडेंस इन रिलेशन टू कंपनीज प्रोविजन फॉर द लीगल क्लेम्स. तो तुम्हारे पास में दो टाइप के हैं यहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो तुम्हें करने हैं. डू मी अ फेवर, राइट थ्री प्रोसीजर्स फॉर कंप्लीटनेस ऑन पेबल्स एंड अक्रूवल्स एंड देन थ्री जनरल प्रोसीजर्स ऑन योर लीगल क्लेम. ठीक है, चलो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स लो फटाफट ये बना के दो मुझे, और ऐसे एक-एक करके नहीं प्लीज पोस्ट करना. तीन प्रोसीजर्स ऑफ पेबल्स एंड तीन प्रोसीजर्स फॉर लीगल क्लेम्स, प्लीज बनाओ उसको फटाफट. एंड आई सेंड यू दिस फॉर द रिव्यू ऑन माय व्हाट्सएप. अच्छा तो मैंने दिखाएंगे अभी तक, ठीक है, तो उसमें से कॉपी पेस्ट करके भेजो इशिता फिर. ओके लेट्स सी क्या क्या आ रहा है, लवली. सो इशिता, क्योंकि तुमने किया हुआ था इससे तुमने इतना अच्छा बना के दिया है. कैलकुलेट पेबल पीरियड्स टू प्रायर द ईयर एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. हाँ मतलब तुम्हें कैलकुलेट करके कंपेयर लिखना है, राइट. योर बज वर्ड बज वर्ड कंपेयर द टोटल ट्रेड पेबल, और वो मतलब मेक श्योर करना है कि जहां भी हो सके तुम्हारे असर्शंस की मेंशनिंग देम, कंप्लीटनेस कंफर्म करना है, कंप्लीटनेस कंफर्म करना है. कंपेयर द टोटल पेबल्स लिस्टिंग जो लिस्टिंग प्रायर इन्वेस्टिगेटिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, ठीक है. परफॉर्मेंस रिकंसिलिएशन, एग्री द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्टेटमेंट रिकंसिलिएशंस एंड एग्री दिस लिस्ट टू द इंडिविजुअल. अच्छा हाँ बराबर, सप्लाई सप्लाई सिलेक्ट ऑफ सैंपल डियरेंस बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है फाइन निशिता, आई थिंक लुक फाइन. इंक्वायर डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट द ईयर एंड. अगेन ठीक है, वेदर पेमेंट इज प्रोबेबल, असर्शन मिसिंग है सेकंड वाले में, पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू क्लेम एग्जिस्टेंस. ठीक है, फोर्थ वाले में भी असर्शन मिसिंग है. ठीक है फाइन. ओके रही बात इशिका प्रोसीजर्स कंफर्म, नो फर्स्ट वाला तुम्हारा गलत है. यू नॉट, आप किसके साथ, आपने क्या किया, सिलेक्ट अ जाम सैंपल ऑफ जीआरएन प्रायर ईयर एंड टू कंफर्म कंप्लीटनेस, ऐसे थोड़ी होता है. कैसे आप किससे किससे आप कंपेयर करोगे कंप्लीटनेस के लिए, बिकॉज कंप्लीटनेस विल ओनली बी कंफर्म्ड इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद समथिंग. How do you know that this is complete or not complete? Right? Okay, system agree to financial listener. Apply regression compared with payables ledger. हाँ ठीक है, थर्ड वाला तुम्हारा सही लग रहा है इशिका, बट बाकी के दो में गड़बड़ है. Not any question because I get confused. नहीं इशिता, assertions तो डालने पड़ेंगे तुम्हें, because देखो तुम्हारा assertions, see your procedure that you do will always give you the assert. देखो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंफर्म करना है कि भाई ये
एसेट मेरा है कि नहीं है, राइट? तो इससे मैं क्या कंफर्म कर रहा हूं, मेरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंफर्म कर रहा हूं ना। सिमिलरली ये एसेट कितने का है, या ये बराबर से स्टेट किया है कि नहीं किया है, तो वैल्यू और एक्यूरेसी पे तो आएगा, राइट? ये एसेट में जाके फिजिकली चेक कर रहा हूं है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस है। सो अंडरस्टैंड ना, योर प्रोसीजर्स विल गिव यू असर्शन, योर असर्शन गिव यू प्रोसीजर, मतलब व्हाट एवर, चिकन एंड एग। कैलकुलेट कंपेयर, ठीक है रेहान। हाँ ठीक है, प्राय के साथ में ठीक है रेहान। लुक्स लुक्स फाइन आई थिंक। इंस्पेक्ट परचेज टू पोस्ट योर एंड पेपर्स टू इंश्योर, हाँ ठीक है। फॉलो थ्रू प्री सप्लाई बैलेंस कंप्लीटनेस योर योर एंड फॉलो थ्रू, हाँ ठीक है, वेरी गुड अर्थ, दीज आर गुड आंसर्स, ठीक है। रिसीवेबल, अच्छा डेबिट बैलेंस है बराबर, ठीक है फाइन है रुहान। आई थिंक तुम्हारा रिलेटेड जीआरएस इनवॉइसेस फॉर कंप्लीटनेस, ठीक है आई थिंक। सेंड समवन्स आंसर ऑन चैट, या ऑफ कोर्स, ये लो, अरे सॉरी इशिता कोई लिख दिया मैंने, ठीक है इस्माइल आई थिंक, ठीक है। सी इसमें सिर्फ अपने को वो प्रियांशी का भी आया, एक सेकंड, ओके गुड, वेरी गुड प्रियांशी, शाबाश। अगेन वो सिर्फ प्रोबेबल पे नहीं तुम्हें लिखना है, इससे तुम्हारा असर्शन क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस हो रहा है, तुम्हारा, या कंप्लीटनेस हो रहा है, यू हैव टू मेंशन दैट प्रियांशी। सिर्फ तुम उस पे प्रोबेबल पे नहीं रुक सकते, जैसे लास्ट में देखो तुमने वैल्यूएशन डाला हुआ है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू, ओके चलो तुम्हारे पास में, ओके सो जब भी हम कंप्लीटनेस की बात करते हैं ना गाइज, अ लॉट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी डन बाय कंपेयरिंग, प्रायर ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करते हैं, राइट? दूसरे हेड्स के साथ में कंपेयर करते हैं टू गिव अस कि भाई ये कंप्लीट है कि नहीं है, जैसे कि कैलकुलेट पेमेंट पीरियड कंपेयर टू प्रायर ईयर, इन्वेस्टिगेट एनी डिफरेंसेस एंड डिफरेंस डिक्रीज इन द ईयर ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ पेमेंट ऑफ रन ऑन 1st जून, बिकॉज तुम्हारा कट ऑफ नहीं हुआ है। बट यस, अगर तुम इधर भी हो जाते ना कि एनी एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड डिस्कस द सेम विद द मैनेजमेंट, मैं उधर भी चल जाता, ये मुझे डालने की जरूरत नहीं है, मैं इधर भी रुक सकता हूँ, ठीक है। नाउ कंपेयर टोटल पेएबल, अगेन कंपेयर आ रहा है, सिग्निफिकेंट बैलेंसेस एंड जीआरएन। देखो मैंने आई थिंक किसको बोला कि यू हैव टू कंपेयर, जीआरएन को सिर्फ तुम नहीं सकते हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, टोटल पेएबल से या बैलेंसेस से कंपेयर कर रहे हो अगेंस्ट द प्रायर ईयर एंड इन्वेस्टिगेट एनी डिफरेंसेस। देखो अभी यहाँ उन्होंने डिफरेंसेस पे रोक दिया है, राइट? सो वी आर ओके टू स्टॉप एट डिफरेंसेस, उसके बाद में कंपेयर द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स ईयर टू आइडेंटिफाई एनी मिसिंग अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस। तुम देख रहे हो अब ये जो कंपेयर वाले हैं ना, ये तुम रिसीवेबल्स में भी डाल सकते हो, ये तुम हर चीज में डाल सकते हो, तो तुम अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो तुम्हारे होते हैं, बिकॉज द सेम थिंग्स विल कम इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो, राइट? सो इफ यू कैन मेंशन दिस समवेयर के भाई मेरे को एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलना है या कंप्लीटनेस, बिकॉज कंप्लीटनेस के अराउंड आता है, तो कंप्लीटनेस एनालिटिकल के लिए कंपेयर 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 तुम्हारा एकदम आराम से हो जाएगा। सिमिलरली वैल्यूएशन पे भी तुम्हारे पास में आता है, तो वैल्यूएशन का भी ऐसी लिस्ट बना के रखो, फिर डिस्कस विद मैनेजमेंट, दे हैव अंडरटेकन टू क्वांटिफाई मिस स्टेटमेंट ड्यू टू पेमेंट रन, रिव्यू, क्या चल गया, रिव्यू द जर्नल एंट्री प्रोसेस, करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। अभी ये सब क्या हो रहा है, ये सब एकदम स्पेसिफिक टू द सिनारियो है, राइट? तो तुम्हारे जो फर्स्ट तीन है वो एकदम जनरल है, बट आगे के अब तुम देख रहे हो ना तो एकदम सिनारियो स्पेसिफिक, और वो क्यों सिनारियो स्पेसिफिक है, बिकॉज अपने पर अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे तो फिर हमारे पास में कुछ बचेगा नहीं कंप्लीटनेस के लिए, राइट? अब ये वाला है, यस ये कॉमन है, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस रिसीव अराउंड द ईयर एंड, असर्टेन करो थ्रू जीआरएन इफ द गुड्स वर रिसीव प्री और पोस्ट ईयर एंड, ठीक है? तो तुम क्या कर रहे हो, ये अगेन कॉमन वाला पॉइंट है जो तुम उठा के अपने वहां डाल दोगे कि भाई ईयर एंड के टाइम पे जो इनवॉइसेस है उसको कंपेयर करो जीआरएन से, देखो कि ईयर एंड पे आया है कि बाद में आया हुआ है,
बिकॉज ईयर एंड के बाद में आया हुआ है तो पेपर्स में नहीं आना चाहिए, बट ईयर एंड के पहले आया हुआ तो पेपर्स में दिखना चाहिए, बट यू आर कंपेयरिंग बिटवीन द टू, तब जाके कंप्लीटनेस आ रहा है, राइट? रिव्यू आफ्टर डेट पेमेंट्स इफ दे रिलेट टू करंट ईयर, देन अगेन फॉलो टू द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई बैलेंसेस। अगेन तुम देखो कि जो तुम्हारे आफ्टर जो डेट पेमेंट्स है वो कौन से साल के थे, करंट ईयर के थे, लास्ट ईयर के हैं, राइट? बिकॉज वो तुम्हारे, अगर लेट से तुम्हारे बैलेंसेस तुम क्लियर कर रहे हो लेकिन वो बिलोंग टू लास्ट ईयर है, तो तुमने लास्ट ईयर में तो ये बैलेंस दिखाया नहीं था, तो अभी कैसे पे किया? तो तुम अगेन उसमें तुम कंप्लीटनेस चेक कर सकते हो। सो लुक, आई वुड सजेस्ट दैट कंप्लीटनेस के लिए और वैल्यूएशन के लिए एक लिस्ट बना के रखो, उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो भी आइटम दिया होगा, चाहे फिर वो पेबल हो, रिसीवेबल हो, पेरोल हो, अक्रूवल हो, जो भी है यू कैन क्वाइट कंफर्टेबली चिपकाओ अंदर, ठीक है? अब लीगल क्लेम्स के लिए भी वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज पुट असर्शंस। आई नो यहाँ असर्शंस कई बार मिस रहते हैं, बट प्लीज यू मेक श्योर कि तुम असर्शंस डालो, राइट? जैसे यहाँ लीगल क्लेम है, डायरेक्टर्स रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, चलो यहाँ ऑब्लिगेशन आ गया तो तुम्हारा असर्शन आ गया। डिस्कस हाउ मिस लेबरिंग इज एलिज्ड टू हैव अकर्ड, वेदर एनी कस्टमर्स हैव बीन अफेक्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या इससे, सो फॉर एग्जाम्पल, इससे मैं क्या कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि भाई अगर ये मिसलेबल हो गया तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क ये पड़ रहा है कि क्या इसके वजह से मेरी प्रोविजन बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी? तो अगेन वो एग्जिस्टेंस पे तुम उसको लेके जा सकते थे कि हाँ भाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये ऑब्लिगेशन उठ के आएगा कि नहीं आएगा? तो आई वुड ऐड द वर्ड ऑब्लिगेशन, यू हैव टू कंफर्म द ऑब्लिगेशन, देन डिस्कस द मैनेजमेंट। अच्छा सिमिलरली पॉइंट है, इंस्पेक्ट द बोर्ड मिनट्स टू असर्टेन वेदर द पेमेंट इज प्रोबेबल। नाउ प्रोबेबल पे मुझे नहीं देखना है, मुझे अगेन वेदर दिस विल रिजल्ट इन टू अ फ्यूचर पेमेंट कंफर्मिंग माई ऑब्लिगेशन, आई विल एक्सटेंड दैट पॉइंट, ठीक है? उसके बाद में तुम वैल्यू पे कर सकते थे, तुम करस्पॉन्डेंस तुम बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो फ्यूचर क्लेम्स, हमेशा एक स्टैंडर्ड का डाल सकते हो कि क्या भाई ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, IS-37 के हिसाब से है कि नहीं, एंड लास्ट में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? सो प्रोसीजर्स के लिए कंप्लीटनेस है टिपिकली अनुज, तुम्हारा जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स तुम करते हो ना, इन ऑलमोस्ट ऑल लाइकलीहुड इट कंफर्म्स योर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस होगा, कभी कभी तुम्हारा अक्यूरेसी पे भी आ जाएगा, वैल्यूएशन पे भी आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है? सो लुक, दीज वर योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक तुम लिस्ट बनाओगे फॉर ऑल द आइटम्स दैट यू वॉन्ट टू, फॉर ऑल द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू वेन यू आर कंफर्मिंग वैल्यूएशन, वेन यू आर कंफर्मिंग कंप्लीटनेस, एंड वेन यू आर कंफर्मिंग एंड व्हेन यू आर डूइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि ये जो तीन है ये आते हैं, कभी बोलेगा वैल्यूएशन दो, कभी बोलेगा कंप्लीटनेस दो, कभी बोलेगा एनालिटिकल। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ये पूरा सेम वही था। रही बात बाकी की जो चीजें हैं उसके अंदर, मैंने पहले भी बोला था क्लास में दैट यू गाइज नीड टू कम अप विथ वेरी नाइस स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स विच हैज गॉट एवरीथिंग इन इट, विच हैज गॉट एक्शन, सोर्स, एविडेंस, एवरीथिंग। आई वॉन्ट माई आंसर शुड ऑलवेज हैव दीज थ्री थिंग्स, कि मैं AEIORR में क्या कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैं कौन सा एविडेंस चेक कर रहा हूँ और मैं उसको क्यों कर रहा हूँ, मुझे मेरा assertion कंफर्म करने के लिए, वी आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी, ठीक है गाइज? सो लुक, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस वन एज वेल, हमारे पास में इनफ टाइम है, यू गाइज कैन स्टिल मेकअप फॉर एनी गैप्स दैट आर स्टिल देयर। 2 weeks इज गुड इनफ टाइम गाइज, अपने पास में 2 हफ्ते हैं, अच्छा खासा रगड़ते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग वेरी सून, जहां मैं एवरी नाइट तुम लोगों को क्वेश्चन भेजूंगा, वी विल अग्री ऑन अ टाइम, लेट्स से एट 9 in the night, आई विल सेंड यू सम 5-10 questions एंड आई विल आस्क यू कि भाई ये वालों का मुझे अगले 5 मिनट 10 मिनट में आंसर चाहिए, एंड इससे क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी फॉर सेक्शन ए, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट टू डू दैट एज वेल। लाइक आई सेड, अब ऑब्जेक्टिव आ गया है, अभी प्लैटिनम बन रहे हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ यू नाउ प्रोबेबली आर अवेयर, वी हैव बीन इन्वाइटेड टू बिकम अ प्लैटिनम।
सो नाउ वी डोंट वांट टू स्टॉप एट जस्ट 75% पास रेट्स आए, अब हम लोग को 100% पास रेट्स चाहिए, राइट? सो वी विल डू ऑल द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इससे तुमको कहाँ भी हेल्प लग रहा है यू हैव टू लेट अस नो, ठीक है? सो प्लीज डू व्हाट एवर वी डिस्कस टुडे, सिर्फ एक लाइक आई सेड एक वो ये वाला एथिक्स वाला रह गया विच आई वॉन्टेड टू कवर टूडे, बट ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक में एक दिन मिलके वी विल डू दैट एज वेल, एंड एनी अदर डाउट सॉल्विंग जो चाहिए होगा वो हम लोग अब रेगुलरली कैचअप करके वो भी करेंगे. एवरी वन हैप्पी विद टूडे सेशन एज वेल, वट एवर वी कवर्ड, यू थिंक थोड़ा सा और बेटर हुआ है आज? ओके थैंक यू इशिता, ओके थैंक यू इशिका, थैंक यू रोहान, थैंक यू अनुज, चलो ग्रेट, थैंक यू इस्माइल, थैंक यू अनुष्का, थैंक यू प्रियांशी, थैंक यू रेहान, थैंक यू इशिता, चलो ग्रेट, राइट? बिकॉज लाइक आई सेड आइडिया इज टू गेट यू गाइज टू बिकम द बेस्ट आउट देयर इन द एग्जाम्स, राइट? तो प्लीज जहां भी अटक रहे हो प्लीज रीच आउट. आई अपोलोजाइज अगेन कि अगर तुम मुझे आंसर्स भेज रहे हो, इफ आई एम टेकिंग टाइम, जस्ट रिमेंबर आई एम लुकिंग एट मल्टीपल, मेरे पास में SBL का भी है, SBL में 40 लोग बैठ रहे हैं, राइट? तो और उनके तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, और वो लाइव बैच है ना, दैट इज दे आर सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको वो वाला सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है, राइट? तो मेरा थोड़ा सा प्रायोरिटी वो रहता है कि उन लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम आंसर्स लिख के दे रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट एज वेल, ठीक है? सो थोड़ा सा डिले होगा, प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है? चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे, कंटिन्यू टू, या तो मिशिता बोल सकते हो मेंटर्स को, रीच आउट करो कि भाई प्लीज एक बार ही देख लो कि इफ यू थिंक दिस आंसर इज लुकिंग फाइन, नो वरीज एट ऑल, मेंटर्स शुड बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है? चलो गुड, ऑलराइटी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू.